अस्सलाम वालेकुम। सो बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? चले, अब हम 1 से 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट दिस वेबिनार। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज़ टू टेल यू के हाउ टू स्टडी थर्ड ईयर। एंड थर्ड ईयर में बिल्कुल अब आप बेसिक साइंसेस से स्विच हो गए हैं इन टू द क्लिनिकल साइड। अब अभी तो कोविड है, इसकी वजह से आप लोग वार्ड्स नहीं जा रहे, तो आपका थोड़ा हॉस्पिटल एक्सपोजर इसमें स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। बाकी सब्जेक्ट्स भी नो डाउट आपको थ्रू आउट लाइफ ही काम आने थे, लेकिन जो अब आपने पढ़ना है फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये की बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक है। बिकॉज इस ये बेसिक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, देन आप आगे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, आप सब जो भी देख रहे हैं, अपने मैक्सिमम दोस्तों को यहाँ पे टैग करें। देखें, आई एम कंडक्टिंग दिस ऑल्दो मेरी आती है अभी खराब थी, स्टिल आई एम कंडक्टिंग इट बिकॉज मैं आप लोग से कमिटमेंट कर चुका था। सो टैग एज मेनी फ्रेंड एज यू कैन, बिकॉज थर्ड ईयर स्टार्ट है। आप लोग को कोई आइडिया नहीं होगा, बुक का आइडिया नहीं होगा, सीनियर्स गाइड नहीं करते, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इन दिस वेबिनार आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपको बुक्स का भी पता होगा कि किस कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो पता होगा। और जो स्टार्ट में स्पेशली बच्चे 2 से 3 महीने वेस्ट कर देते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि उनको पढ़ना नहीं आता कि हमने ये बुक कौन सी यूज़ करनी है, ये बुक पहले यूज़ करनी है या ये बुक बाद में यूज़ करनी है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती है जो आप लोगों को शुरू में नहीं पता होती, और ये वक्त के साथ फिर आप लोगों को पता लगेगी। तो आई विल ट्राई कि मैं वो आज आपको सब कुछ बता दूँ। तो आप लोगों ने अपने एक हाथ में पेंसिल, दूसरे सामने कॉपीज लाजमी रखनी है। मैंने हर सब्जेक्ट वन बाय वन कवर करना है। एक सब्जेक्ट कवर होगा, देन आई विल आस्क अबाउट योर क्यूरियस। कुछ के लेक्चर स्टार्ट हो चुके होंगे, जैसे नर्स के बच्चे हैं, उनका तो इवन आई थिंक मॉड्यूल भी हो चुका है एक। तो जो क्यूरियस होगी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग फौरन जितने भी दोस्त हैं अपने, सबको टैग करें, बिकॉज आप लोगों को आइडिया है कि अब थर्ड ईयर में आपको आए हुए भी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, और आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि कॉलेज वालों का डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास में आप लोग को नहीं समझ आएगी। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलें, जैसे जैसे आते जाएं आप लोग अपने दोस्तों को और टैग करते जाएं। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और अब मैं फर्स्ट सब्जेक्ट से आऊँगा। उससे पहले मैं थर्ड ईयर का ओवरव्यू देता हूँ। सो बेसिकली थर्ड ईयर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज फार्माकोलॉजी, सेकेंड इज पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये एक ही है। फिर हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, और लास्ट सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस। जो फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी है, इनका पेपर आना है 300 मार्क्स से, और जो बिहेवियर साइंस और फोरेंसिक मेडिसिन है, इनका पेपर आना है 200 मार्क्स से। 300 मार्क्स के पेपर में इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स की होगी, 150 मार्क्स का वाइवा और 150 मार्क्स की थ्योरी होगी, और 65 एमसीक्यूज होते हैं, 70 मार्क्स एससीक्यू के होते हैं। अब मैं फार्माकोलॉजी के बारे में स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मैं फार्माकोलॉजी के सारे फीचर्स सबसे पहले बताऊंगा कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में, कैसे आप लोग को ये बाद में फायदा देगा, अभी क्यों अच्छा पढ़ना चाहिए, और बाद में इसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मा की आप लोग नोट कर लें, 65 एमसीक्यू आएंगे, 70 मार्क्स के इसके एससीक्यू हैं, 10 एससीक्यू होते हैं, एंड ईच एससीक्यू कैरी 7 मार्क्स, 7 मार्क का एक एससीक्यू होगा और 10 एससीक्यूज आएंगे। तो ये हमारे पास फार्मा की जनरल सी स्कीम है।
चलिए, फार्माकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फार्माकोलॉजी में अब जब आप आ चुके हैं तो आप इसमें मेडिसिन के फॉर्मूलास पढ़ेंगे। आप देखते हैं आपके पास एक कोई भी डिब्बी होती है, कोई भी मेडिसिन की उठाए, नीचे लिखा होता है फॉर्मूला, ये एजिथ्रोमाइसिन है, या ये टेट्रासाइक्लिन है, या ये एस्प्रिन है, ये एसिटामिनोफेन है, ये डिफरेंट आप लोग देखते होंगे, ये प्रोपेनोलोल है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये फिक्स्ड होती हैं। और जो एक डब्बी के ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे आप डिस्प्रीन है, तो डिस्प्रीन की कई तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला एस्प्रीन है, वो पूरी दुनिया में सेम रहेगा। तो यानी जो पाकिस्तान में दवाइयों के नाम है ना, तो वो बाहर के मुल्कों में उसी दवाई का डिफरेंट नेम हो सकता है। तो इसमें आप फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि पूरी दुनिया में कॉन्स्टेंट है। यानी अगर आपको फार्माकोलॉजी अच्छी आती है, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में है, आपने हमेशा उसका सोल्ट लिख के देना होता है, और डी फार्मेसी वाले का काम होता है कि उसने उसके अकॉर्डिंग दवाई दे देनी है जो फार्मेसी पे अवेलेबल हो। तो फार्माकोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो आपको डॉक्टर डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी देखते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे, आपको पता होगा, अच्छा हाँ ये ब्लड प्रेशर की है। फिर अभी आप लोग को डिस्प्रीन और पैरासिटामोल का भी शायद डिफरेंस ना पता हो, तो अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्प्रीन बच्चों में देनी नहीं होती अगर वायरल इन्फेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, और उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है जो कि सर्दियों में बहुत कॉमन होती है, आप उसको डिस्प्रीन दे देते हो, तो उसका लिवर डैमेज हो सकता है और हो सकता है। ये सुनने में कितनी छोटी सी चीज है कि डिस्प्रीन, आप लोग सुनते हो गए, अच्छा डिस्प्रीन दे दो, डिस्प्रीन दे दो, डिस्प्रीन दे दो। तो अब ये चीजें आप लोग पढ़ोगे, लेकिन उसको पेनाडोल दे सकते हो। तो इतने फार्माकोलॉजी में आप लोग सीखोगे। और इस फार्माकोलॉजी का जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये रट्टे वाला सब्जेक्ट है। बिलीव मी, फार्माकोलॉजी सिर्फ रट्टा नहीं है। फार्माकोलॉजी में जो मेडिसिन के नेम है, नो डाउट वो रट्टा मारना पड़ेगा, जब क्योंकि नेम्स तो आपको भी पता है कि एक ऐसी चीज है जो कि आपको मेमोराइज करनी पड़ती है। लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, और उनकी कोई ना कोई रीजनिंग है। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोगों ने जब भी फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो एक चीज जहन में रखनी है कि कोई उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, उसकी रीजन हो सकती है, और गूगल इज द बेस्ट वे टू सर्च द रीजन। गूगल पे आपको हर तरह की रीजन मिलेगी। और फार्माकोलॉजी मेमोराइज भी तब भी होती है कि अगर आपको हर चीज की कोई ना कोई थोड़ी सी रीजन एटलीस्ट पता हो, आपको कभी फार्माकोलॉजी नहीं भूलेगी। तो इसलिए पहला कॉन्सेप्ट जो फार्माकोलॉजी का सबसे गलत होता है कि दिस इज अ सब्जेक्ट रट्टा वाला। तो नहीं, ये द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको फार्माकोलॉजी लगेगा अभी तक का। चले, अब इसकी मैं बुक सिलेक्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया दोबारा से, जो अब बाद में आए हैं, तो वो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को मैक्सिमम को टैग करें ताकि वो भी ज्वाइन करें और उनको भी पता लगे। बिकॉज अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ, जिसमें मैं बुक का बताऊंगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनको किस तरह पढ़ना है, जो कि सबसे जरूरी चीज होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफिकल्टीज आप लोग फेस करोगे, और एमसीक्यूज में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। चले, अब मैक्सिमम दोस्तों को बाकी सब टैग कर दें, अब मैं स्टार्ट करूँ। चले, बुक सिलेक्शन। यूएचएस में दो बुक्स आप लोगों ने, दो बुक्स का कॉम्बो यूज करना है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बुक्स का जो कि सब आवाम ने यूज करना है, फिर डिस्टिंक्शन के लिए किस तरह जा सकते हैं, फिर मैं वो उसकी तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले मिनी कैट्सन, और आप लोगों ने दूसरी बुक यूज करनी है कैपलान। कैपलान के लेक्चर नोट्स होते हैं, इसकी ये बुक होती है। तो दो बुक्स आप लोगों ने मेन बुक्स रखनी है, मिनी कैट्सन और कैपलान। एक साइड बुक बड़ी अच्छी बुक है, जो आज तक मैंने नहीं देखा कभी किसी ने रिकमेंड की हो, बट वो बुक आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। कौन सी बुक है? स्केची। स्केची आप लोग माइक्रो में बहुत पढ़ते हो, बट उसमें फार्माकोलॉजी की कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी लिखी हुई है कि वो अगर आप पढ़ते हो कि आपके एमसीक्यूज निकलते होते कभी। तो वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और आप लोग उसको उधर से करोगे तो आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अच्छा, तो मेन आपने दो बुक्स बता दी, मिनी कैट्सन एंड द सेकेंड बुक इज कैपलान। अच्छा, मिनी कैट्सन ऐसी बुक है जिसने बहुत अच्छे नंबर या जिसने डिस्टिंक्शन लेनी है, उसको मिनी कैट्सन में से कुछ नहीं छोड़ना, उसने मिनी कैट्सन पूरी पढ़नी है A to Z। और कैपलान का क्या फायदा होगा? कैपलान आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
कैपलान सुन के आप लोग को लगता है ये यूएसएमएलई की किताब है, तो ये मुश्किल किताब होगी, आप लोगों से नहीं पढ़ी जाएगी। याद रखें, यूएसएमएलई की किताबें मुश्किल नहीं होती, वो कंसाइज होती हैं। कंसाइज का क्या मतलब है? उसमें उन्होंने हाई वेटेज चीजें एक जगह पे दी होती है, जो आप लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकालनी है ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो हाई यील्ड चीजें होती है वो एक जगह पे होती है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आप जब कैपलान करते हो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे जो एमसीक्यूज आते हैं प्रॉफ में, उसमें हाई यील्ड चीजें बहुत आती है, तो उसमें आपको कैपलान बहुत ज्यादा फायदा देती है, रिविजन में भी और आपको हाई यील्ड चीजें करने में भी। कभी भी कैपलान को मेन बुक नहीं रखना। सेकेंड पॉइंट, कैपलान इज नॉट द मेन बुक, मिनी कैटजंग इज द मेन बुक, जिसको आपने मेन बुक रखना है। अब मिनी कैटजंग में ना थोड़ा सा डिस्प्यूट आ जाता है शुरू में कि यार ये शायद अच्छी बुक नहीं है, उसकी रीजन क्या होती है। आप लोगों ने जब फार्मा स्टार्ट करनी है ना, तो सबसे पहला टॉपिक होता है जनरल फार्माकोलॉजी, और जनरल फार्मा मिनी कैटजंग पे अच्छी नहीं लिखी, सिर्फ उसकी कल गाइडलाइन अपलोड भी कर दी गई है। सिर्फ जनरल फार्मा ऐसी है जो कि मिनी कैटजंग पे अच्छी नहीं है, बाकी सारे टॉपिक मिनी कैटजंग से अगर आप ए टू जी कर लेते हो तो आपको सब कुछ आता होगा। और रीजनिंग की मैंने आपको पहले ही बताया, आपने उसके लिए गूगल सर्च करनी है। अब आप लोगों को वन बाय वन मैं टॉपिक बताता हूँ। दो बुक्स आप लोगों ने लिख ली, मिनी कैटजंग एंड कैपलन, और अब आपने तीसरी बुक लिखी है स्केची। स्केची से कौन सा टॉपिक कैसे करना चाहिए वो मैं एंड पे बताऊंगा, क्योंकि मैं सारा कॉम्बो आपको मिनी कैटजंग और कैपलन का बताऊंगा, स्केची एंड पे बताऊंगा। जो स्केची सुनेगा और जो वो कैपलन पे नोट कर लेगा तो उसको डबल फायदा होगा। चलें, सबसे पहले हम आते हैं पहला टॉपिक, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी आपके वाइवा का स्टार्ट होता है, आपके टॉपिक्स में अभी स्टार्ट जनरल फार्माकोलॉजी से होता है। जनरल फार्माकोलॉजी इज बेसिक के कोई हम ड्रग लेते हैं, फार्माकोलॉजी में मेडिसिन को ड्रग कहते हैं, सही हो गया। कोई आप ड्रग लेते हो, वो ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपकी ड्रग पे कुछ एक्शंस करती है। What the body does to the drug is pharmacokinetic, and the what drug does to your body is pharmacodynamic. तो ये आपकी जो जनरल फार्म है उसमें आपने ये चीजें पढ़नी है, सही हो। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है जनरल फार्मा में। तो जनरल फार्मा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देगी, इसका आपकी जो बाकी सारी फार्माकोलॉजी है ना उससे कोई ऐसा इतना ताल्लुक नहीं है कि अगर आपको जनरल फार्मा नहीं आती तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बाकी फार्मा करने में मसला हो। तो जनरल फार्मा सबसे पहला टॉपिक होता है, इसको अच्छा करें। इसमें डेफिनेशंस काफी ज्यादा होती हैं, इसकी जो डेफिनेशंस है वो प्रॉफ में पूछी जाती हैं, और पहला क्वेश्चन आपसे जनरल फार्मा से होता है। प्रॉफ में इसका एक एसईक्यू आता है, कुछ एमसीक्यूज आते हैं। जनरल फार्मा इज प्रीटी स्कैटर्ड, तो नोट करें जनरल फार्मा मिनी कैटजंग में अच्छी नहीं लिखी हुई, जनरल फार्माकोलॉजी मिनी कैटजंग से नहीं करनी, आपने जनरल फार्मा करनी है लिपिन कोट से, सही हो गया। फॉर जनरल फार्मा यू विल यूज लिपिन कोट। लिपिन कोट इतनी अच्छी लिखी हुई है कि आपको समझ आ जाएगी इजीली, आपने लिपिन कोट यूज करनी है। गाइडलाइन कल शेयर हो चुकी है, उस पर जनरल फार्मा की ए टू जी गाइडलाइन लिखी हुई है कि किस तरह कौन सी बुक से क्या टॉपिक करना है, तो आप लोगों ने यूज करनी है लिपिन कोट। दूसरी आप लोगों ने जो यूज करनी है फॉर जनरल फार्मा, कुछ टॉपिक मल्टी ऑथर नाम की बुक है, इसका आप किसी से पिक्चर्स मंगवा लेना, ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगी, पिक्चर फॉर्म में आपको मिल जाएगी, तो इसकी किसी से पिक्चर्स मंगवा लेना। मल्टी ऑथर, कुछ टॉपिक आपने जनरल फार्माकोलॉजी के मल्टी ऑथर से करने हैं। जो मल्टी ऑथर है ना उससे आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, वहां से आप डेफिनेशंस को रट्टा मार सकते हो, सिर्फ जनरल फार्मा की बात हो रही है। जो लिपिन कोट है वो आपको जनरल फार्माकोलॉजी समझाएगी। सबसे बड़ी गलती इसके बाद क्या होता है, जनरल फार्माकोलॉजी लिपिन में बहुत अच्छी लिखी हुई है, मिनी कैटजंग में बिल्कुल अच्छी नहीं लिखी, तो बच्चे समझते हैं कि बाकी सारी चीजें भी लिपिन कोट में बेस्ट है और मिनी कैटजंग बिल्कुल अच्छी बुक नहीं है, तो ये परसेप्शन गलत है। नो डाउट जनरल फार्मा के लिए लिपिन कोट इज बेस्ट, बट बाकी सारी जो यूएचएस के बच्चे हैं स्पेशली, बाकी सारी फार्मा आप लोगों ने मिनी कैटजंग प्लस कैपलान के कॉम्बिनेशन से करनी है। इधर तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। जनरल फार्मा की गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ शेयर हो चुके हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग करनी है, तो आपकी जनरल फार्मा हो गई। अब आ जाते हैं मेन फार्मा की तरफ, जो कि आपकी रियल लाइफ में हर जगह काम आएगी। जनरल फार्मा आपको बेसिक बताएगी कि ये क्या चीज़ है।
सबसे पहला टॉपिक फार्मा में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जिस बच्चे का ये टॉपिक कमजोर है उसको वाइवा में भी मसला होगा, उसको एमसीक्यूज में भी मसला होगा, उसको सारी फार्मा में भी मसला होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। एक तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द हार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है वो तो बाकी फार्माकोलॉजी में बहुत इजीली चीजें ग्रेस्प करेगा, और जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं आता उसको कोई फार्माकोलॉजी समझ ही नहीं आएगी। इसलिए आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिंगर टिप्स पे करना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को करने के लिए मिनी कैटजन करें, सही हो गया। कैपलान के लेक्चर सुने। अब कैपलान किस तरह पढ़नी होती है, थोड़ा सा मैं कैपलान का तरीका बता दूं। कैपलान के होते हैं लेक्चर्स। लेक्चर्स दो तरह के आप लोग को मिलेंगे, एक स्टीव हैरिस के होते हैं, एक कोई आर से नाम शुरू होता था, बट स्टीव हैरिस के लेक्चर्स अच्छे होते हैं। आपने कैपलान के लेक्चर सुनने हैं, और लाजमी याद रखना है कैपलान के जो बुक है उसके ऊपर वो चीजें नोट करनी है जो कैपलान में नहीं लिखी हुई और लेक्चर में बता रहे हैं। ऑलमोस्ट लेक्चर सारा बुक से ही होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवाएंगे वो आपने लाजमी नोट करनी है। आपको दोबारा टाइम नहीं मिलना, एक ही बारी टाइम है, एक बारी नोट करें अच्छी तरह। उसके साइड पे जगह दी होती है कैपलान वालों ने, तो आप लोगों ने उधर एक्स्ट्रा चीजें नोट कर लेनी है, सही हो गया। जब पहले आपने नोट की, अब आ जाए मिनी कैटजन की तरफ। जब मिनी कैटजन पढ़ने लगेंगे ना तो आपको थोड़ी सी अजीब बुक लगेगी स्टार्ट में। पढ़ने का तरीका, मिनी कैटजन को पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप वो लोग आप वो फॉलो कर लेते हो तो आप लोग को मिनी कैटजन में मसला नहीं होगा। वो तरीका ये है, सबसे पहला आपने क्लासिफिकेशन याद करनी है। ये सब कुछ लिखते जाएं, आप लोग को ये किसी ने चीज नहीं बतानी के उन्होंने बस कहना अच्छा ये चीजें कर लो। मैं आप लोग को तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोग को फायदा होगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करें। क्लासिफिकेशन में से ना अगर सारी ड्रग्स नहीं याद होगी शुरू में, आप लोगों ने क्या करना है, क्लासिफिकेशन में से जो दो दो तीन तीन ड्रग्स एटलीस्ट याद कर लें, दो दो कर लें पहली गो में। जब आप लोग दो दो ड्रग्स करेंगे ना और उनके ग्रुप्स करेंगे, जब प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपके जहन में हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने आगे नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिनी कैटजन के एंड पे बहुत अच्छी समरी लिखी होती है, आपने एक बार इस समरी को बस देखना है, उसको रीड करना है, उसमें क्या क्या है। समरी बहुत कंसाइज वे में लिखी होगी, आपने उसको एक बार रीड कर लेना है। सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन की याद, उसके बाद समरी एक बारी देख ली। क्लासिफिकेशन याद कहाँ से करनी है, एक है अली रजा चौधरी के इस साल नोट्स पब्लिश हुए हैं, वैसे उनका पीडीएफ अवेलेबल है। उन्होंने क्लासिफिकेशंस मिनी कैटजन से कंपाइल की थी और वो बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन मिनी कैटजन वाली सारी उन्होंने कंपाइल की थी और वो बहुत अच्छी है, मैंने उसको ओवरव्यू किया हुआ है। वो आपके पास हार्ड फॉर्म में लाजमी होनी चाहिए, वो आपको थ्रू आउट द ईयर हेल्प करेगी, क्योंकि जब आपने प्रॉफ देने जाना होता है उससे पहले आपको क्लासिफिकेशन अगर याद है ना जहन में तो आपको एमसीक्यूज में मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ड्रग भी आगे पीछे होगी ना उसका एमसीक्यूज आ गया तो आपको ये याद नहीं आ रहा होगा, अच्छा ये आपको हर चीज मिक्स हो जाएगी। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका होता है मेमोनिक्स, जितने मेमोनिक्स बना सके, मेमोनिक्स किसी और के यूज नहीं करने। इधर आपको फाइल्स मिल जाएंगी जिसमें मेमोनिक्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, आपने उनमें से देखना है जो आपको उनके पसंद आए, अपनी बुक में नोट कर लें, जो आपको खुद याद है वो बना लें। यानी हर चीज के कोशिश करनी है मेमोनिक्स, स्पेशली अभी कीमो की बारी आएगी उधर मेमोनिक्स बहुत जरूरत होती है, बाकियों में आपको फिर भी रिटेन साल के एंड तक रिटेन हो जाता है, सही हो गया। ANS आपको मैंने बताया सबसे अच्छे से आना चाहिए, अगर ANS आता है तो आपको बाकी फार्मा आती है, अगर ANS नहीं आता तो बाकी फार्मा नहीं आएगी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करनी है, फिर समरी अच्छी तरह देखनी है, उसके बाद आपने कैपलान लेक्चर लेना है, कैपलान लेक्चर लेके मिनी कैटजन पे आना है और मिनी कैटजन की लाइन टू लाइन रीड करनी है। ANS में तो एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, हर एक लफ्ज आप जब स्टार्ट में पढ़ोगे ना आप सोचोगे अच्छा ये वाली शायद मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ANS का वर्ड टू वर्ड आपने करना है। स्टार्ट एक और चीज याद रखना, स्टार्ट में मिनी कैटजन में ना रंग बिरंगे सा डब्बा बना होता है, वो डब्बा नहीं करना, डब्बे के बाहर वाली चीजें करनी है। वो बिल्कुल स्टार्ट में डब्बा होता है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि अली रजा चौधरी के नोट से करनी है, उन्होंने पब्लिश कर दिए हुए हैं, अगर वो नहीं है तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप लोगों ने उसको खुद फोटो कॉपी करवा के
रख लेना है, पूरा साल आपको काम आएगा और आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज करना बहुत ईजी होगी। सही हो गया। सेकेंड चीज, बुक की लाइन टू लाइन रीड करनी और समझना है। समझने का तरीका, वीडियोस आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बड़ी अच्छी मिलेंगी, आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन देखनी है। याद रखें जो एक्स्ट्रा चीज मिले लिख लेनी है। स्टिकी नोट्स बहुत काम आएंगे थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में स्टिकी नोट्स चाहिए, तो थर्ड ईयर में स्टिकी नोट्स का यूज करना ना लाजमी सीखें, क्योंकि इसमें एंड पे आप दो बुक्स नहीं उठा सकते, क्योंकि इतनी चीजें रिवाइज करनी होती है, आप इतना मेमोराइज करने बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये आप लोगों ने गलतियां जो करनी है मैं बता रहा हूँ, तो स्टिकी नोट्स को यूज करना सीखें और जो एक्स्ट्रा चीज हो वो लिख लें और उसको लगा लें। सही हो गया। या अपना एक रजिस्टर बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो जैसे आपको सूटेबल लगे। तो इस तरह आप लोगों ने ANS करना है वर्ड टू वर्ड। आपकी ANS हो जाएगी तो आपको आगे इंशाल्लाह आता होगा। अब ANS को एक्स्ट्रा करने का क्या करें? ANS क्योंकि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से वाइवा बहुत ज्यादा होता है, आपका वाइवा लाजमी है ANS से होना है, और जिसको ANS का वाइवा नहीं आता होगा, और वाइवा में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या आ जाते हैं, यूजेस क्या आ जाते हैं, ड्रग की यूजेस क्या है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, तो मैं बता रहा हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स के अलावा ना, फार्माकोकाइनेटिक भी इंपॉर्टेंट है, फार्मा में मिनी कैट्सों की हर चीज इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। ये ANS का आई होप समझ आ गई होगी। अब मुझे एक बार बता दें कि ANS का आपको समझ आ गया। अब मैं इसके अलावा बताता हूँ कि ANS कहाँ से कर सकते हैं। जब एक बार आपकी हो जाए, तैयार हो जाए, तैयारी जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, पास पेपर उठाने हैं। पास पेपर थर्ड ईयर में की टू UHS बाय डॉक्टर शवेब कंवल के बेहतर है। आपने पास पेपर उठाने हैं या टॉपिकल पास पेपर, आप देखने उसमें क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ना है, उन्होंने उन क्वेश्चन को जाके बिग कैटजंग से देख लेना है और उसको शॉर्टलिस्ट कर लेना है अपनी मिनी कैटजंग पे। तो इस तरह आपका वो टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा। SCQs आपको पता है एक हद तक आए होते हैं, जो आपको चीज तब तक जब सेंड अप के करीब आएंगे ना, ये सेंड अप के करीब की स्ट्रेटेजी है। अभी आप लोग बिग कैटजंग ना उठाना, वो आपको बहुत मसला करेगी, लेकिन जो ये चीज है ना, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी ब्रॉड होंगे, आपकी बिग कैटजंग की चीजें भी कवर होंगी, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको चीजें कंफ्यूज भी नहीं करेगी। जो चीजें आपने तैयार कर ली हैं, अब जो पास पेपर में आई हुई हैं उनको बिग कैटजंग से देखें और उसको शॉर्टलिस्ट करके जो एक्स्ट्रा दो चार पॉइंट्स हैं वो अपनी मिनी कैटजंग पे नोट कर लें, तो आपकी वो मैक्सिमम बहुत अच्छे से वो चीज कवर हो जाएगी। सो दिस इज द वे आप ANS कवर कर सकते हैं। ANS में मैंने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि आगे सारे टॉपिक्स उस पर डिपेंड हो रहे थे, तो ANS करने का ये तरीका है। सो अब अगेन जिन्होंने ज्वाइन किया वो अपने बाकी दोस्तों को मैक्सिमम को टैग करें, ताकि अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इतना डिटेल्ड जरूर बता सकूं कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग उठे यहाँ से, तो आपको हर टॉपिक का पता हो कि किस तरह पढ़ना है, और आपको मतलब पूछना ना पड़े किसी से। तो और जो गलतियां करनी है इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक आफ्टर ANS इज CVS। CVS में दो चीजें आएगी रिलेटेड टू हार्ट हो जाता है, डायुरेटिक्स आएंगी, और उसके अलावा आपके पास थर्ड आती है ब्लड के रिलेटेड। अब जो इसमें से ब्लड का पोर्शन है ना, वो आपको कैप्लान बहुत अच्छा कवर करवाएगा, और एक चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है ब्लड का, गाइडलाइंस इसकी सबकी शेयर होती जाएगी, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो ब्लड का आपने याद रखना है, वो मिनी कैटजंग पे है, वो आपके कैप्लान में नहीं है। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ब्लड आपने करना है मिनी कैटजंग से। बाकी कैप्लान में ब्लड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप अगर वहां से वर्ड टू वर्ड कर लेते हो तो आपका ब्लड वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड और CVS आपस में कंबाइंड है और ब्लड से हाफ SCQ आने, तो ये चीज लिख लें, ये आपको फायदा देगी। फिर आ जाता है CVS। CVS में डायुरेटिक्स आएंगे और बाकी एंटी इंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव, इंजाइनल, एरिदमिया, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं इस टाइम आपके सराउंडिंग में, आपके घर में से कोई ना कोई को ब्लड प्रेशर होता है, वो दवाई खा रहा होता है, तो आप लोगों ने ये ड्रग्स करनी है। तो ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, CVS और ANS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। CVS इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल सारी डिजीजेज ही ऑलमोस्ट CVS से रिलेटेड होती हैं, तो आप लोगों ने इसको करना है मिनी कैटजंग से, मिनी कैटजंग का वर्ड टू वर्ड करना है, साथ कैप्लान करनी है। अब मैंने आपको मिनी कैटजंग और कैप्लान का कॉम्बिनेशन बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैप्लान को आप लोगों ने प्रॉफ में किस तरह यूज करना है। अब आप लोगों ने देखना है जो कैप्लान में चीजें मिस है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं लिखा हुआ,
या कोई फंक्शन कम लिखा हुआ है, कोई चीज मिसिंग आपको लगती है, जैसे आप लोग डिजिटल से पढ़ेंगे उसके कुछ फीचर्स कम है, जो चीजें कैपलान में नहीं लिखी हुई। कैपलान में ज्यादातर यूजेस और एडवर्स इफेक्ट अच्छे लिखे हैं, फार्माको काइनेटिक्स वगैरह ये इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो साइट पे जो जगह है ना, आपने वो मिनी कैर्जन की चीजें थोड़ी सी वहां पे लिख लेनी है। उससे क्या फायदा होगा, जब प्रॉफ में आपने फाइनल रिवीजन करनी है ना, तो कैपलान आपको 3 से 4 घंटे में पूरी रिवीजन करवा देता है। तो अगर आपके पास कैपलान है, उसमें जो ऐसी चीजें हैं जो कैपलान में नहीं लिखी, फार्माको काइनेटिक्स नहीं लिखी होती, और शुरू वाली जो बातें हैं फार्माको डायनेमिक्स की वो नहीं मिसिंग होती है कैपलान में, तो वो आप लोगों ने जब मिनी कैर्जन से लिख ली होंगी, तो आप एट द एंड जल्दी से रिवाइज कर सकते हो आखिरी दिन। तो इस तरह आप लोगों ने करना है फार्माकोलॉजी के CVS को। नेक्स्ट आ जाता है कीमो। कीमो में आ जाती है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, जो सारी आप लोग एजिथ्रोमाइसिन खाते हो, आपको कभी बुखार हो जाता है तो कहते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन दे दो, फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ये जो सारी मेडिसिन है, एंटीवायरल, एंटी एमीबिक, फिर उसके बाद एंटी कैंसर ड्रग, ये सब कुछ कीमोथेरेपी में आ जाते हैं। कीमोथेरेपी इज द मोस्ट नोटोरियस टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी, और याद रखें 1/3 ऑफ फार्माकोलॉजी पेपर विल बी बेस्ड ऑन कीमोथेरेपी। ये 10 चैप्टर है, इसमें से 1/3 फार्माकोलॉजी का पेपर आता है। तो कीमोथेरेपी का जहन में बैठा लें कि ये आप लोगों ने करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें से कितना पेपर आना है, 1/3, तो ये बहुत मेजर पोर्शन है। तो कीमोथेरेपी के 10 चैप्टर है और ये सारा रट्टा है, इसमें मैं कहूँगा ये रट्टा है। और इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि टॉक्सिसिटीज आपस में एक जैसी लग रही है, आपको लगेगा कि इसके यूजेज एक जैसे हैं, इसके यूजेज एक जैसे नहीं है। याद रखें इसके यूजेज, आप लोग ने इसको बहुत गौर से पढ़ना है, या आप लोग एक तो पूरी लाइफ इसलिए काम आनी है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतनी कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। और आपको कीमोथेरेपी कब आएगी, जब आपने पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियाज कर लिए होंगे। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी बाद में की और कीमोथेरेपी पहले करने की कोशिश की, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इस वजह से फार्माकोलॉजी की कीमोथेरेपी आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद करनी है। तो ये पॉइंट नोट कर लें, पहले माइक्रोबायोलॉजी करें। अगर माइक्रोबायोलॉजी नहीं भी करनी पूरी, तो माइक्रोबायोलॉजी का सुन ले क्या करना है, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की क्लासिफिकेशन याद कर लेनी है कि कौन से GI के बैक्टीरिया है, कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के बैक्टीरिया है, कौन से एंटेरिक ट्रैक्ट है, कौन से आपके CNS पे इफेक्ट करते हैं, और कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई है, कौन से स्टेफ है। तो ये आपने करना है माइक्रोबायोलॉजी के बैक्टीरिया पहले क्लासीफाई, उनको याद करना है, फिर आपने कीमो पे आना है फार्माकोलॉजी में, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी। तो इस वजह से पहले माइक्रोबायोलॉजी लाजमी करना है। यह सबसे बड़ी गलती होती है और हर बच्चा करता है, और उसकी वजह से 10-15 दिन ज़ाया करता है। तो ये टाइम ज़ाया ना करना, उतनी देर में आप लोग माइक्रोबायोलॉजी कर लेना और उसके बाद ये कर लेना। चले, कीमोथेरेपी की होगी, ये 1/3 टॉपिक है आपका फार्माकोलॉजी का, तो यानी इसका बहुत मेजर पोर्शन है, तो इसलिए अच्छा करना है। इसमें आप लोग जब टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट तो सेम चीज़ होंगी, यूजेस पढ़ोगे आपको लगेगा कि सेम है, सेम नहीं है। आपने मिनी कैर्डन को A to Z करना है कीमोथेरेपी के लिए, स्पेशली एंटीबैक्टीरियल्स के लिए। एंटीबैक्टीरियल्स के 5 चैप्टर है, A to Z करने हैं। TB वाला चैप्टर कंफर्म, उसमें से एक ऐसी क्यों आता है। फिर उसके बाद एंटीफंगल एक चैप्टर आएगा, वो भी आपने A to Z करना है। पैरासाइट वाला चैप्टर आएगा, उसकी गाइडलाइन में बताया होगा कि कुछ चीज़ें मिस करनी है। फिर आगे एंटीवायरल में भी कुछ चीज़ें कम करनी है, तो आगे वाले चैप्टर्स में थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, लेकिन बैक्टीरियल वाली आपको A to Z आनी चाहिए। तो ये आपकी कीमोथेरेपी भी होगी। अब ये थे मेन टॉपिक्स। अगर आपके ये ANS, CVS, कीमो, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, इसके बाद 3 माइनर टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट 70-80% फार्माकोलॉजी आपकी कवर होती है। अगले 3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि छोटे टॉपिक्स हैं, यानी एक एक दो दो चैप्टर के हैं, लेकिन उसमें से वेटेज उतनी है जितने 3-3, 4-4 चैप्टर के टॉपिक्स में से है। एक है GIT, GIT का एक चैप्टर है, उसमें से SEQ आ जाना है। एक चैप्टर ये मिनी कैर्जन से करना होता है, और कुछ चीज़ें इसकी लिपिन कोट से करनी है। GIT के लिए लिख लें, लिपिन कोट यूज़ कर सकते हैं। ANS के लिए लिख लें लिपिन कोट को, अगर आपका दिल करें तो देख सकते हैं, और उससे चीज़ें नोट करके आप ANS के लिए ना आप लिपिन कोड भी देख सकते हैं, बिग कैर्जंग भी देख सकते हैं। मिनी कैर्जंग तो करनी है ना,
एक्स्ट्रा अगर देखना चाहते हैं, आपका दिल करता है, बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जीआईटी का बता दिया, रेस्पिरेशन का एक चैप्टर है मिनी कैटजन, वो अच्छे से कर ले, आपकी रेस्पिरेशन कवर हो जाती है। एनसेट का एक चैप्टर है, एनसेट मिनी कैटजन से ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो उसके एससीक्यूज आते हैं ना, वो मिनी कैटजन से मोस्टली कुछ चीजें ना वेग रहती है और वो कवर नहीं होती। तो आपने क्या करना है, मिनी कैटजन से उसको अच्छे से कवर करना है, और उसके जो पास्ट एससीक्यूज है एनसेट वाले चैप्टर के लिख ले, NSAID, जो डिस्प्रीन है ना वो एनसेड होती है, जो इतनी कॉमन मेडिसिन है, एनसेड इज वेरी कॉमन। तो जो एनसेड है, आपने वो वाले चैप्टर के जो पास्ट पेपर को ना, वो लाजमी 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 बिग कैटजंग से करने हैं, जो पास्ट क्वेश्चंस है। अगर आप पास्ट क्वेश्चन बिग कैटजंग से कर लेते हो, बाकी मिनी कैटजंग से कर लेते हो, आपका एनसेड ए टू जी कवर होगा। एनसेड में से एक एससीक्यू और 5 से 6 MCQs आ जाते हैं, मतलब 12 से 13 नंबर का पेपर सिर्फ एक चैप्टर से आ जाता है। तो ये एक चैप्टर बाकी बहुत से चैप्टर्स पे भारी है, और एनसेड इसलिए भारी है क्योंकि ये मेडिसिन आप लोग देखते हो ओवर द काउंटर इतनी ज्यादा चलती है, तो ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट कॉर्टिकॉइड है, इसमें दो चैप्टर है, एक हिस्टामिन के रिलेटेड है और एक और चैप्टर था सेरोटोनिन, आई थिंक उसके रिलेटेड था। ये छोटे से चैप्टर है लेकिन ये बहुत तंग करेंगे, ये छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे चैप्टर ही ज्यादा तंग करते हैं। इसको पहले आपने कैप्लान से बहुत अच्छा करना है, कैप्लान से अच्छी तरह मेमोराइज करें, फिर आपने कैप्लान से करने के बाद इसकी क्लासिफिकेशन याद करनी है मिनी कैटजंग से, क्लासिफिकेशन मिनी कैटजंग से याद करने के बाद जो एंड पे समरी है उसको अच्छी तरह याद करना है, तो आपको ये बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मिनी कैटजंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, इसमें से यूजली एमसीक्यूज आते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने टॉपिक बताए हैं ना, इसमें से आपकी कम से कम 70% ऑलमोस्ट फार्मा कवर हो जाती है। अब दो टॉपिक मिस हो गया जो कि मैं बताने लगा हूँ, एक है एंडोक्राइन और एक है सीएनएस। जो एंडोक्राइनोलॉजी है इसके 4 से 5 चैप्टर है, उसमें से भी डायबिटीज वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें से आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। 3 चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एंडोक्राइन भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑलमोस्ट ए टू जी करने पड़ेंगे। इसमें से वाइवा अच्छा भला हो सकता है, और इसमें से आपका एससीक्यू तो आना ही आना है और एमसीक्यूज भी आते हैं, और मिनी कैटजन एंडोक्राइन को बहुत अच्छा कवर कर देती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज सीएनएस। सीएनएस इज द मोस्ट नोटोरियस टॉपिक फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट। देखिए, जिन्होंने तो डिस्टिंक्शन लेनी है ना या बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, उनको तो भाई सब कुछ करना पड़ता है। उनके लिए ये कोई स्कीम नहीं होती कि उन्होंने ये टॉपिक छोड़ दें। लेकिन सीएनएस टॉपिक है, इसमें 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से एक एससीक्यू आना है, 5 से 6 MCQs आने हैं, यानी 13 नंबर का पेपर आना है 10 चैप्टरों में से। और जो मैंने एनसेट का एक चैप्टर बताया था उसमें से भी इतना ही पेपर आना था। तो आपने याद रखना है कि पहले आपने हमेशा वो चीजें करनी होती है जो जिसकी वेटेज ज्यादा हो। तो जैसे एनसेट का चैप्टर है, एक में से उतना पेपर आना है जितना सीएनएस के 10 चैप्टर में से आना है। अब सीएनएस के 10 चैप्टर है ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें से वाइवा जरूर होगा। जिन्होंने करना है डिस्टिंक्शन उनको तो ये करना चाहिए, जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं भी लेनी, अच्छे नंबर लेने हैं, उनको भी इसमें से कुछ 4-5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है वो करने चाहिए। सीएनएस बेस्ट कहाँ से किया जा सकता है, मिनी कैटजंग पे ये कोई काम का नहीं लिखा होगा, मिनी कैटजंग में आपको थोड़ा सा मसला होगा। तो इसको करने का तरीका है स्केची फार्माकोलॉजी, लिख लें सीएनएस स्केची फार्माकोलॉजी से करना है ना, आप पे प्रेशर आएगा और वो आपका बहुत सी चीजें कवर करवाएगा, एमसीक्यूज एटलीस्ट आपके इजीली कवर होंगे। सही हो गया, स्केची फार्माकोलॉजी आप लोगों ने यूज करनी है फॉर द सीएनएस, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। कैप्लान और स्केची फार्माकोलॉजी अगर आप सीएनएस की कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद करने के बाद आपके ऑलमोस्ट मतलब ये दोनों काफी हद तक एमसीक्यूज कवर करवाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग यूज करते हो मिनी कैट्स पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो आपके एससीक्यू भी कवर हो जाएंगे। तो यानी ये सबसे स्मार्ट वे है सीएनएस को तैयार करने का, के स्केचियो और कैप्लान की जाए और पास्ट यूक्यूज किए जाए, ये सबसे स्मार्ट वे है टू प्रिपेयर सीएनएस, और ये आपका बहुत अच्छा पेपर करवा देगी। अच्छा, जो जनरल फार्मा का पूछ रहे हैं ना, वो पोस्ट हो चुकी है कल, और मैंने इसमें भी बता दिया, इसमें स्टार्ट में जनरल फार्मा ही बताया था, तो आप लोग ये सुन सकते हैं जब ये सेशन खत्म होगा।
लेकिन जनरल फार्मा की काफ़ी एलेबरेटिव पोस्ट है जो मैं कर चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगी। उस पर सब कुछ लिखा है कौन सी बुक में कहाँ से करना है। लिपिन कॉटन मिलती है और फिर वहाँ पे यूज़ होगी और वहाँ से आपने करना है। सो दिस इज़ जनरल ओवरव्यू रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी। तो अब मुझसे किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और अब फिर से अगेन टैग करने का टाइम है, 142 यहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट सब टैग करें अपने फ्रेंड्स को ताकि बाकी लोग भी आएँ। 5,000 की कम्युनिटी है और आप लोग अपने दोस्तों को टैग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ये किसी ने फार्माकोलॉजी नहीं बतानी। अभी बाकी सब्जेक्ट्स में इसी तरह गाइड करूँगा, अभी मैं इसके एमसीक्यूज का भी बताऊँगा कि किस तरह आ सकते हैं। बिकॉज इन माई फार्माकोलॉजी पेपर मेरे 65 में से 60+ एमसीक्यूज में भी सही थे। तो एमसीक्यूज का भी मैं तरीका बताऊँगा कि किस तरह करने हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज का तरीका आ जाएगा तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अलॉट और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। चलिए अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है तो पूछें और फिर उसके बाद उतनी देर दोस्तों को टैग करें और क्वेश्चन भी पूछ लें ताकि मैं पहले इसको कवर कर दूं फार्मा को, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे ताकि इसमें कोई चीज मिस ना हो जाए। चलिए मैं ना थोड़ा सा आपको एमसीक्यूज का भी बता देता हूँ। इसके ना मिनी कैड्सों के एंड पे होते हैं, हर चैप्टर के एंड पे 10 MCQs। 10 MCQs है हाई यील्ड MCQs। 10 MCQs आपको होने चाहिए हिफ्ज, जो इसके एंड हर चैप्टर के एंड पे होते हैं। इस साल के प्रोफ में भी देखें या पिछले सालों के प्रोफ में भी देखें, 15 से 20 MCQs ऐसे होते हैं जो मिनी कैडजन की एक्सरसाइज से आने हैं। तो आप लोग वो मुश्किल MCQs है, कोई इतने आसान MCQs नहीं होते मिनी कैडजन के एंड पे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है। आप लोगों ने मिनी कैडजन के सारे MCQs विद एक्सप्लेनेशन फिंगर टिप्स पे करने हैं और प्रोफ में अच्छी तरह रिवाइज करके जाने हैं। ये पॉइंट लिख लें, 15 से 20 नंबर आपके यहाँ पे स्कोर सिक्योर हो जाते हैं। 65 में से 15 से 20 MCQs, ये कोई अगर 40 चैप्टर है ना तो 400 MCQs बनता है, तो ये उसमें से आएंगे। मिनी कैडजन के एंड पे होते हैं, ये करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेस्ट में भी आप लोग देखेंगे, अपना जो कॉलेज में टेस्ट होगा ना उसमें भी आपने पीछे वाले MCQs अच्छे से करने हैं। आधे MCQs तो वो वहां से ही उठा के देते हैं ना टेस्ट में भी, कोई किसी भी कॉलेज का टेस्ट आप उठा के देख लें। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, अच्छा डिफिकल्टीज फार्मा में। फार्मा में डिफिकल्टी ये आएगी, आप लोग सोचेंगे कुछ याद नहीं हो रहा, सब कुछ भूल रहा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। जब कीमो में आएंगे ना तब तो ये आप लोग का सबसे बड़ा रोना होगा कि कुछ याद नहीं हो रहा, और वैलिड होता है क्योंकि कीमो में सब कुछ रटता है। तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन, जितनी रिवीजन करेंगे उतना फायदा। क्लासिफिकेशन अगर फिंगर टिप्स पे हो जाएगी ना तो आपको बाकी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। हर चीज़ के मेमोनिक्स बन सकते हैं, कीमो में मेमोनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कीमो याद रखना कि कीमो में मेमोनिक्स अच्छे बनाने हैं और वो पूरा साल यूज़ करने हैं, तो ये आपको फार्माकोलॉजी में हेल्प करेगी। डिफ़िकल्टी यही आती है, और क्लासिफिकेशन को फोटोकॉपी करवा के रख लेना। अब कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ऑलमोस्ट वी आर डन विद द फार्माकोलॉजी पोर्शन। कीमो सिर्फ मिनी कैडजन से करनी है, ए टू जी करें, उसके जो पास क्वेश्चंस हैं वो लाजमी करें। ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है कीमो से, कीमो से 3 SCQs आने हैं, 10 में से 3 SCQs कीमो से है। 1/3 ऑफ द पेपर इज फ्रॉम कीमो, तो कीमो को घोल के पीना होता है और इसको मेनली रटा भी मारना होता है। अब इसमें क्या थोड़ी सी चीज़ें हेल्प करती है, इसमें ये चीज़ें हेल्प कर रही होती है कि जो ओरल मेडिसन है उसके GI साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सबका कॉमन होता है। तो स्किन रैशेज कुछ चीज़ें होती है बड़े कॉमन होते हैं, जो सबसे कॉमन तो आप लोग जो सुनते आते हैं वोमिटिंग, डायरिया, नोजिया, इस तरह की चीज़ें कुछ नो डाउट होते हैं। कीमो में थोड़ा सा अगर आप लोग मेमोनिक्स देख के बनाएं तो उसमें आप इजीली चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टेक्निकली मेमोनिक्स बनाते हैं उसके। चलें अब नेक्स्ट मैं आपके पास आता हूँ पैथोलॉजी की तरफ। सो पैथोलॉजी हैज़ 2 पार्ट्स, 1 इज जनरल पैथोलॉजी, 2 इज माइक्रोबायोलॉजी। पेपर कितने का आएगा, 150 मार्क्स फॉर थ्योरी, 150 मार्क्स फॉर आपका आ जाता है वाइवा पोर्शन, यानी टोटल पेपर 300 मार्क्स। इसके कितने SCQs आने हैं, 70 मार्क्स के SCQs है और 14 SCQs आते हैं। इसका फर्क क्यों होता है, फार्माकोलॉजी में क्या था, 10 SCQs थे, 7 मार्क का ये था।
लेकिन जो आपकी पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है इसमें 14 एसईक्यू होते हैं, 5 मार्क ईच, और ये 70 मार्क्स के एसईक्यू और 65 एमसीक्यूज होते हैं। चले, और थर्ड ईयर में एक बात याद रखना, अगर साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ एंड पे छोड़ेंगे, आप लोग फिर दुआएं करें लाजमी, क्योंकि थर्ड ईयर मेमोराइज करने का साल है। फर्स्ट से सेकंड ईयर से क्या डिफरेंस है ये याद कर लें, क्योंकि काफी बच्चे बाद में हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट सेकंड ईयर थी कि आप चीज पढ़ते थे, उसका कॉन्सेप्ट लेते थे, कुछ ना कुछ लिखाते थे, पास पेपर कर लेते थे तो क्वेश्चन हो जाते थे। थर्ड ईयर ऐसा सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेमोराइजेशन पावर बहुत जरूरी है। थर्ड ईयर में आपने जब फार्माकोलॉजी करनी है उसमें मेमोराइज करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, जब आपने माइक्रोबायोलॉजी करनी है उसमें मेमोराइज करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, जब आपने फोरेंसिक मेडिसिन करनी है उसमें टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन आएगा, उसकी मेमोराइज करने की पावर अच्छी होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट हर चीज में मेमोराइजेशन है, तो इसमें आप लोग अगर साथ साथ करेंगे और मेमोराइज करने की अपनी पावर अच्छी करेंगे, जितनी ज़्यादा रिविजन्स करेंगे फायदा होगा। तो थर्ड ईयर में ये चीज़ जहन में रखनी है कि जितनी रिविजन्स उतनी अच्छी तैयारी, और जितनी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग उतना प्रोफ में फायदा। अच्छा, फार्माकोलॉजी की लास्ट स्केची की मैं बताना भूल गया, स्केची कहीं पे भी रिकमेंड नहीं आपको करते फार्मा में, बताता हूँ कि स्केची फार्मा में किस तरह हेल्पफुल है और वो कहाँ पे आपको फायदा देगी और वो किन लोगों को पढ़नी चाहिए। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको है कि मेरे मैक्सिमम एमसीक्यू सही हो और मेरे एमसीक्यू गलत ना हो, तो उन्हें क्या करना है, स्केची फार्माकोलॉजी की पहले वीडियो सुननी है। स्केची फार्माकोलॉजी में स्केच याद नहीं करना, सिर्फ जो उसके नीचे टेक्स्ट है वहां से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कैपलान पे नोट कर लेना। सीएनएस तो मैंने आपको बताया कि स्केची प्लस कैपलान प्लस फास्ट पेपर्स, ये सबके लिए स्कीम है, और जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है और बहुत अच्छा पढ़ना है वो साथ मिनी कैपलान करें, लेकिन बाकी स्केची प्लस कैपलान और पास पेपर्स कर लेते हैं तो उनका सीएनएस बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। चले, बाकी स्केची बाकी अगर टॉपिक्स के लिए करते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके जो कैपलान में मिसिंग है आपने कैपलान में लिख लेना है। मिनी कैटलन और कैपलान का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द ईयर यूज करते जाना है, जब ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे देन स्केची की तरफ आना है। जो चीजें इनमें नहीं थी स्केची की वो आपने पॉइंट कैपलान पे नोट कर लेने हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके सारे एमसीक्यू पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। चलें, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैथोलॉजी की तरफ। तो पैथोलॉजी वन पोर्शन इज जनरल पैथोलॉजी, सेकंड पोर्शन इज माइक्रोबायोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में पैथोमा थर्ड ईयर में यूज नहीं करनी, पैथोमा इज प्रोहिबिटेड इन थर्ड ईयर, मतलब एज अ मेन बुक नहीं करनी, एज अ साइड बुक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कर सकते हैं। पैथोलॉजी की पैथोमा फोर्थ ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए नहीं है, क्योंकि आप बड़ी पोस्ट देखते होंगे, बड़े मेडिकल ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, तो वहां पे आप लोग पैथोमा देखते होंगे कि इट्स अ लाइफ सेवर फॉर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपकी थर्ड ईयर में भी होती है, फोर्थ ईयर में भी होती है। जो फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी है उसमें पैथोमा लाइफ सेवर है, लेकिन जो थर्ड ईयर की पैथोलॉजी है उसमें पैथोमा का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या एक्स्ट्रा किसी चीज को कंसाइज करना है उसके लिए हेल्प कर देगी, उसको मेन बुक नहीं रखना, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजी में जनरल फार्मा, आप जनरल पैथो आपने करनी है मीडियम रॉबिन से, कुछ बच्चे कहेंगे बिग रॉबिन कर लें, अच्छे मार्क्स और डिस्टिंक्शन मीडियम रॉबिन वालों भी आ जाती है। बिग रॉबिन में बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, प्रोफ का सारा पेपर मीडियम रॉबिन से कवर हो जाता है। तो आप लोगों ने जो जनरल फार्मा है उसके लिए मीडियम रॉबिन यूज करनी है। पहला चैप्टर है सेल इंजरी, सेल इंजरी मीडियम रॉबिन कवर करवा देती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग रिपेयर, ये भी मीडियम रॉबिन कवर करवा देती है। हीमोडायनेमिक्स, ये भी मीडियम रॉबिन कवर करवा देती है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनरल फार्मा रिवाइज करने का इतना टाइम नहीं होता। ये गाइटन की तरह, पैथोलॉजी इज मोर लाइक गाइटन जब जनरल फार्मा जनरल पैथो की बात करते हैं। जब जनरल पैथो की बात करते हैं तो याद रखना है कि ये गाइटन की तरह, इसको सारा रिवाइज नहीं किया जा सकता प्रॉफ में, तो इसके स्टिकी नोट आपने रॉबिन्स पे अटैच करते जाना है। और सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, हीमोडायनेमिक्स, ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने रॉबिन से करने हैं। जेनेटिक्स का टॉपिक, जेनेटिक का टॉपिक करने का तरीका, आपने जेनेटिक्स के फोटोकॉपी करवाने हैं
कैपलान के नोट्स, कैपलान में जो जेनेटिक्स का पोर्शन है उसकी कोई 15-20 पेजेस है, आपने वो फोटोकॉपी करवाने हैं, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है वो क्या कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक बारी मीडियम रॉबिन्स पढ़ें और उसमें से जो पॉइंट कैपलान है वो ऐड कर लें। एक बारी अगर आप लोग मीडियम रॉबिन्स जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं ना, वो लाजमी जेनेटिक्स की भी पढ़ लें। वो जेनेटिक्स का पोर्शन एक बार जब रीड करेंगे ना, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, बड़ा मजे का लिखा हुआ है। आप जब एक बार रीड करोगे ना, उसके बाद जब आप कैपलान पढ़ोगे तो आपको कैपलान की समझ आ रही होगी, फिर आपको कैपलान रिटेन करना बड़ा आसान होगा। कभी भी याद रखना, कैपलान अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो तो वो रट्टे वाली बुक है, लेकिन अगर आप उसको किसी अच्छी बुक से पहले पढ़ते हो, यानी आप पहले कोई रिकमेंडेड बुक पढ़ते हो देन कैपलान पे आते हो, तो कैपलान आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि आपको उसका पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आता था। तो आप जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले जेनेटिक्स को मीडियम रॉबिन से रीड करें, और जो चीज़ें फिर उसको कैपलान से रीड करें, जो चीज़ें कैपलान पे मिसिंग है वो लिख लें कैपलान पे, और फिर आपने मीडियम रॉबिन को जेनेटिक्स के लिए नहीं उठाना, फिर आपने वो कैपलान से जेनेटिक्स कर लेनी, आपकी ए टू जी कवर हो जाएगी। और प्रॉफ में आपको ऐसी एमसीक्यूज भी आते होंगे और इसके पास पेपर्स कर लेने, तो जेनेटिक्स करने का सबसे इजी तरीका ये है। और जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लेना और जिनका रट्टा बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बेशक कैपलान के सारे नोट्स अच्छे से कर लेना जेनेटिक्स के, उनकी वैसी कवर हो जाएंगी। जिनका रट्टा नहीं अच्छा, वो भी अगर पहले रॉबिन करें फिर कैपलान पे आए और कैपलान पे नोट कर लें, तो उनको फायदा होगा। तो इस तरह आप लोगों ने करनी है जेनेटिक्स। बाकी गाइडलाइन तो ऑब्वियसली आप लोग को आती जाएंगी और आप लोगों ने वो फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करनी है। गाइडलाइन का क्या फायदा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, मुझसे बड़े बच्चे पूछते हैं कि नम्स में है तो ये वहां पे काम आएगा कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट बीमारी है वो तो हर किसी के लिए सेम है। जैसे कोविड-19 है, अब कोविड-19 पाकिस्तान में भी वही है, बाहर भी फैला हुआ है, तो क्या चीजें चीज तो कॉमन रह रही है, इंपॉर्टेंट चीज कॉमन ही होती है। जो आप लोग अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम है ना, चलो पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर जाते हो, बाहर हेपेटाइटिस नहीं है पाकिस्तान, चलो मानते हैं, लेकिन जो नम्स, यूएचएस, एफएमडीसी, ये सारे सिस्टम पाकिस्तान के हैं, तो जो चीज एक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दूसरे के लिए भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें कॉमन होती है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ना ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है, इससे आपको करना है तंग, और आपको मैंने बताना है कि इसको आप लोगों ने किस तरह करना है टैकल। इम्यूनोलॉजी में 10 चैप्टर, 3 चैप्टर है जो बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। उसके अलावा बाकी चीजें ना, इम्यूनोलॉजी आप शौक के लिए पढ़ सकते हो, तो या जिसने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना ना, जो कहते हैं हमने कोई रिस्क नहीं लेना, यानी डिस्टिंक्शन वाले या टॉप करने वाले लोग, फिर वो बेशक 10 के 10 चैप्टर एक बार रीड कर लें, लेकिन जो 3 चैप्टर है ना वो तो अच्छे से आने चाहिए। एक उसमें आता है हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर, टॉप मोस्ट चैप्टर, हर साल उसमें से ऑलमोस्ट 80 क्यू आ जाता है। फिर एक आता है एंटीबॉडीज के रिलेटेड चैप्टर होगा, दो ये चैप्टर हो गए, और एक और चैप्टर भी इसमें होता था, तो इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली गाइडलाइन में सब कुछ लिखा होगा, तो आप लोगों ने वो करने। मैं 3 चैप्टर मेंशन किए होंगे जो आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे करने हैं, वो हर किसी ने करने हैं। बाकी जो 7 चैप्टर हैं वो जिन्होंने एक एक एमसीक्यू से करना होता है ना, तो वो उनको पढ़ने चाहिए। तो बाकी अगर स्किप कर देते हैं, थोड़ी डंडी मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नियोप्लाजिया, सबसे ज्यादा नोटोरियस टॉपिक। उसकी रीजन क्या है, इतना बड़ा टॉपिक है, आप बुक सामने खोल लेंगे, ये 5 दिन भी खोली रखेंगे आपका ना ये टॉपिक कवर नहीं होगा पहली बार जब करेंगे। तो नियोप्लाजिया करने का तरीका अब मैं समझाऊंगा, ये गौर सुनना है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो कम पढ़ते हैं, ये उनके लिए भी है, क्योंकि जिन्होंने तो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है ना, या उनको होता है जिस पास होना है, उन्होंने तो ये चैप्टर देख के वैसे डर जाना, उन्होंने तो इसको रीड ही नहीं करना। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, एक बड़ी थोड़ा सा मेहनत जरूर होगी लेकिन इट विल हेल्प यू। ये करने का तरीका ये है, इसके नोट्स बनाएं, इसके नोट्स अच्छे से बनाएं, रीड करें, पहले एक बारी रीड करना पड़ेगा, पहली बारी में नोट्स नहीं बनते। कभी भी याद रखना, आप पहली बारी कोई टॉपिक कर रहे हो ना, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, आपको कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, अभी वो आप बुक की नोट कर लेते हो। कभी भी किसी भी चीज के नोट्स बनाते हुए ना, पहली बारी पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाते, हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग पे आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाए नियोप्लाजिया के,
और ये आपको प्रॉफ में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रॉफ में न्यू पेज या रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। जिन्होंने पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है न्यूप्लेजिया का और उनको समझ नहीं आ रही न्यूप्लेजिया की, रॉबिन से समझे, वरना डॉक्टर रुबेल है, इनकी थोड़ी सी वीडियो होगी, और डॉक्टर नजीब मोस्ट कॉमन, इनकी स्टार्ट के जो नॉमन क्लेचर की वीडियो बहुत अच्छी है, इनकी बस नॉमन क्लेचर पे वीडियो है, फर्स्ट पार्ट कवर होता है उसमें, लेकिन वो बहुत अच्छी वीडियो है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, फिर आगे आप लोग कर सकते हैं। तो न्योप्लेजिया को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर नजीब कवर करवा देता है और एक अगर आपका रटा है वो कवर करवा देता है, तो बाकी बीच वाली चीजें पास पेपर्स और वो इस कॉमन क्वेश्चंस है, हर साल रिपीट होते हैं, और वो पास पेपर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं एससीक्यूज कवर हो जाते हैं, एमसीक्यूज कवर करने के लिए नो डाउट आपको पढ़ना पड़ता है। एमसीक्यूज के लिए देखो आपको रिकमेंडेड चीज पढ़नी पड़ती है, जो होता है ना कहते हैं कि ये चीज कर लो ये कर लो पास हो जाओगे, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ एसटीक्यूज की बेसिस पे बता रहे होते हैं। एमसीक्यूज करने के लिए आपको ऑब्वियसली रिकमेंडेड चीज करनी पड़ती है, और जब आप रिकमेंडेड चीज करते हो तब ही कोई मुश्किल एमसीक्यूज आएगा तो आपको आता होगा। चलिए आपके होगी जनरल पैथोलॉजी कवर। नेक्स्ट वी कम टू द माइक्रोबायोलॉजी, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक, जो आपको थर्ड ईयर में तो काम आएगा, आगे फोर्थ ईयर में आएगा, फोर्थ ईयर में पैथो आगे पढ़ोगे, बल्कि आईईएनटी में काम आएगा, फिर ये आपको काम आएगा जब आप फाइनल ईयर में जाओगे, यानी ये हमेशा पूरी जिंदगी काम आने वाला टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया वायरस फंजाई और पैरासाइट, तो ये चीजों से ही आपको सारी बीमारियां, तो ये चीजें अगर आपको आती होंगी तो आपको सारी बीमारियां आती होंगी, तो ये चीजें आती होंगी आपको ड्रग्स आती होंगी, और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी या इनकी क्लासिफिकेशन पहले नहीं करते और डायरेक्टली फार्माकोलॉजी की कीमो पे चले जाते हो तो आप लोग बस कीमो नहीं करोगी, तो इसको पहले करना है बाद में फार्माकोलॉजी को करना है, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। चलें पहले मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है, अब मैं बुझने लगा हूँ, तो उसके बाद मैं माइक्रोबायोलॉजी की पाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये काफी मेजर पोर्शन है और इसमें से काफी ज्यादा पेपर आना होता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ने में काफी लोग गलतियां करते हैं, तो मैं नहीं चाहता आप लोग वो गलतियां करें जो लोग करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको सब कुछ पहले ही ये बता देता हूँ कि ये गलती होनी है, आप लोग वो जमा के देख लें आपको पता लग जाएगा कि ये गलती होनी है, क्योंकि हर चीजें ऑब्वियसली बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस से देखी है, अपने एक्सपीरियंस से देखी है जो आपको बता रहे हैं, यूजली सीनियर आपको एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे। द रीजन इज देखे मेडिकल फील्ड बहुत छोटी फील्ड है, हर बंदे का डर होता है कि कल ये हमें क्रॉस कर देगा। मेडिकल फील्ड में कितने डॉक्टर है, 5,000 निकलते हो मैक्सिमम, 6,000 निकलते हो। FCPS में ज्यादातर जो BHU जिन्होंने दिया होता है वो 1 साल लगाते हैं, यानी आपका जो सीनियर है वो मोस्टली कुछ होते हैं पहली बार, अगर आप FCPS तो आपके साथ बैठे होंगे FCPS पे, तो वो क्या चाहेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे सीनियर्स होते हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को मेडिकल में शुरू में बहुत मिसगाइड किया जाता है, और वो मैंने खुद देखा हुआ है, हमें भी किया गया हुआ है, आप लोगों को भी करते हुए मैंने देखा हुआ है कि किया जाता है, तो याद रखें MBBS में गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी सी फील्ड है और ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपने लोगों की लाइफ के साथ खेलना है, इसमें मिस गाइड करना बनता नहीं है, इसमें 1% मिस गाइड करना नहीं बनता, उसकी रीजन ये है कि इसमें आप लोगों ने लोगों की जानों के साथ खेलना है, विच इज वेरी क्रिटिकल थिंग, और अगर आप किसी एक की जान भी बचा लेते हो तो उसका स्वाब आपको पूरी जिंदगी मिलता जाएगा। चलें अब फिर से टैग करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, फिर मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने करनी है। जिन्होंने अभी तक टैग नहीं किया, देखें मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे से बोल रहा हूँ और अभी स्टिल मैंने आगे भी आपको सारा करवाना है, ऑल्दो मेरी तबीयत नहीं सही थी, स्टिल मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग अच्छा पढ़ो और मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा पढ़ो। क्योंकि जितना अच्छा पढ़ोगे ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में रहोगे आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आज पाकिस्तान आप पे पैसा लगा रहा है, कल आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, सो इसलिए अच्छा सर्व करें। देखें जो हाई यील्ड टॉपिक्स पूछ रहे हैं ना, हाई यील्ड टॉपिक्स बता दें, देखिए सारी गाइडलाइंस शेयर होंगी, गाइडलाइन पर सब कुछ मेंशन होगा, ये हाई यील्ड है ये हाई यील्ड नहीं है, ये चीज करनी है। अभी मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ क्योंकि इतने टाइम में ऑब्वियसली किसी चीज का जनरल ओवरव्यू ही हो सकता है जो पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जो आपने गलतियां करनी है जो मैं गाइडलाइन में नहीं बता सकता,
ऑब्वियसली गाइडलाइन में ये गलतियां आप लोगों को नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग कर लें तो आप लोगों को बाद में फायदा हो। चलिए अब आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। आप लोगों ने आई होप टैग कर लिया होगा, स्टिल अभी आप लोग टैग नहीं कर रहे, मैक्सिमम करें। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में ना एक बुक आप लोग नाम सुनोगे, स्केची माइक्रोबायोलॉजी। स्केची माइक्रोबायोलॉजी के बारे में एक बात याद रखना, अब वो सारे सुने गौर से, स्केची माइक्रोबायोलॉजी साल के शुरू में इज द वर्स्ट बुक जो आपको लगेगी। आपको लगेगा कि इससे घटिया बुक दुनिया में नहीं हो सकती, साल के शुरू की बात बता रहा हूँ। और प्रोफ के दिन आप ये खुद कहोगे इससे अच्छी बुक दुनिया में नहीं हो सकती। तो याद रखते हैं, स्केची माइक्रोबायोलॉजी शुरू में आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगी कि यार ये क्या बुक है, इसका क्या फायदा है, इसमें क्या उन्होंने तस्वीरें कार्टून शार्टून बना दी हैं और इसमें क्या मुझे याद रहेगा। और साल के एंड पे बिलीव में जब आप प्रोफ में बैठे होंगे ना, तो आप स्केची वाले को दुआएं दे रहे होंगे कि उसने कितनी कमाल चीज बना दी है। तो इस चीज को आप लोग नहीं याद रखना, क्योंकि स्केची में ना शुरू में लोग दिल बर्दाश्ता होकर 3-4 दिन स्केची पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर लेविंसन पे आ जाएंगे, लेविंसन वो करेंगे, उनको याद नहीं रहेगी। प्रोफ में फिर बैठे सोच रहे होंगे कि यार कोई मैंने छोटी बुक पढ़ ली होती और मैंने कुछ तरीके से कोई मैनेज कर लिया होता। तो आप लोगों को ये टिप है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि माइक्रोबायोलॉजी शुरू में आप लोग स्केची से पढ़ोगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे नहीं अच्छी, आपको फील होगा, लेकिन ये साल के एंड पे अच्छी साबित होगी। अब ये किस तरह साबित होगी ये मैंने आपको बताना है। चले, स्केची माइक्रोबायोलॉजी ना दो स्केची की बुक्स ना दो तरह की हैं। एक है लॉन्ग स्केची, वो हॉरिजॉन्टली लंबी है। एक है स्केची, वो वर्टिकली लंबी है। जो वर्टिकली लंबी है ना बुक स्केची की, उसमें फार्माकोलॉजी पोर्शन भी है, फोर्थ ईयर का पैथोलॉजी पोर्शन भी है, थर्ड ईयर का पैथोलॉजी पोर्शन भी है। और जो लॉन्ग स्केची है उसमें सिर्फ थर्ड ईयर की माइक्रोबायोलॉजी है। तो आपने ये दोनों खरीदनी है। जो फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है वो दूसरी स्केची में लिखा हुआ है जो वर्टिकल वाली है, और जो हॉरिजॉन्टल वाली है, जो हॉरिजॉन्टल वाली है ना उसका कलर ग्रीन होगा और जो वर्टिकल वाली है उसका कलर ब्लू होगा। लेकिन आपने दोनों ही खरीदनी है, आपको दोनों का ही फायदा होगा। जब आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है ना, तो आपने लॉन्ग स्केची यूज करनी है जो लंबी है ग्रीन कलर में। उस स्केची में क्या डिफरेंस है, वो स्केची बेसिकली कॉम्बिनेशन है स्केची का, कैपलन का और लेविंसन। मतलब वो जो मेन स्केची थी ना, किसी बाहर के मुल्क के 4-5 स्टूडेंट से मिलके उसको कॉम्बिनेशन बना दिया कैपलन और लेविंसन की चीजें डाल के, और वो उसमें सब कुछ कवर होता है। तो उसकी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली वो जब आप पढ़ोगे वो भी आपको मुश्किल होगी, और जो उन्होंने बहुत कंसाइज करके वो किया हुआ है और वो हर चीज कवर करवाती है आपके MCQs, SCQs, सब कुछ। और लेविंसन किस तरह पढ़नी है वो मैं आपको साथ बताता हूँ, और स्केची भी पढ़ने का तरीका होता है। स्केची पढ़ने का तरीका सुने, स्केची का लेक्चर सुनने, और स्केची का लेक्चर सुनते सुनते स्केची पे लेबलिंग करने। होता है ना, एक डायग्राम आप बनाते हो और फिर आप उसको लेबल करते हो। स्केची में डायग्राम तो आपके सामने बनी हुई है, आपने क्या करना है, लेक्चर सुनते सुनते ना वो बताएंगे कि ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कैट बनी हुई है, ये कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव को कर रही है। आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है, उसको लिख लेना है, इसका ये मतलब है, उसकी नंबरिंग कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो जो चीज बताता रहेगा उसकी लेबलिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप के आप लोग लेबलिंग करें, और जो कह रहे हैं 2x पे बोलने, मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ही समझ आए। मैं तेज बोल के तो इसको 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, ताकि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं कुछ तेजी से सुनना पसंद करते हैं, जो तेजी से सुनना पसंद करते हैं वो बाद में यूट्यूब पे 2x पे देख लेना। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, लेबलिंग कर लेनी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्केची के आपने उनकी डायग्राम्स को लेबल करना है पहली बारी जब सुनना है। दूसरी बारी सुनने का अगर टाइम है तो सुन लें, लेकिन दूसरी बारी सुनने का टाइम नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग आपसे स्केची 3 बारी सुननी है, कोई कहेगा कि स्केची 2 बारी सुननी है, भाई 1 बारी सुनने में बड़ी हिम्मत लगती है उसमें। तो आप लोगों ने पहली बारी ही सुनते हुए ना उसकी लेबलिंग कर लेनी है, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी स्केची। अगर आप उसकी लेबलिंग नहीं करते ना, तो आपने उसका लेक्चर सुनना है, आपको 2 दिन बाद भी याद नहीं होना चाहिए ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी। तो जिसने लेबल कर ली स्केची,
उसको पता लगेगा कि इसकी क्या अहमियत है जब वो प्रॉफ में जाएगा। तो इस वजह से आपने लेबलिंग करनी है। इसकी मैं वीडियो भी आई विल ट्राई कि मैं ना जो स्केची मेरे पास पड़ी हुई है मैं उस पे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह की हुई है, तो वो आपको पूरी जिंदगी हेल्प करेगी, आगे भी आपको हेल्प होगी। तो आप लोगों ने इस तरह लेबलिंग कर लेनी है। पहली चीज, जिन्होंने यूएसएमएल करना है उनको तो ये करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जो स्केची है, लॉन्ग स्केची। उसमें आपको अगर याद चीजें नहीं हो रही तो आप लेविंसन साथ यूज कर सकते हो, बट लेविंसन का आपने करना है शॉर्ट लिस्टिंग। लेविंसन के नोट्स बना लें और साथ लॉन्ग स्केची की डायग्राम्स अच्छी तरह याद कर लें, और साइड वाली जो चीजें उन्होंने लिखी होती हैं उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है या बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं उनका ये सब कुछ कवर हो जाता है, और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं और पास होने हैं वो अगर लॉन्ग स्केची कर लेते हैं ना तो वो तब हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। स्केची आपके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सारे कवर करवाएगी। और लेविंसन, जो सिर्फ लेविंसन पढ़ते हैं और जो स्केची नहीं पढ़ते, बहुत से कॉलेजेस में रिवाज है उनको स्केची का पता ही नहीं है, तो जो लोग सिर्फ लेविंसन पढ़ते हैं और स्केची नहीं पढ़ते उनका मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके जो आप लोग जब पढ़ोगे ना, तो आप लोगों ने कोई 200 100 150 ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, 100 and 150 के राउंड अबाउट। 100 तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब जब 100 ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे ना, उनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उनकी क्या क्या चीजें, ये आप लोगों को तो याद ही नहीं रहेगी, तो आप लोगों को ये मसला करेगी। इधर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हुए मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई माइक्रोबायोलॉजी की, जो आप लोग याद रखें कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या चीजें याद करनी होती है और क्या चीजें याद नहीं करनी होती। दो चीजें माइक्रोबायोलॉजी में आपको लिखने को आती है, वन इज पैथोजेनेसिस, सेकेंड इज लैब डायग्नोसिस। ये दो चीजें, फर्स्ट इज लैब डायग्नोसिस और पैथोजेनेसिस, ये दो चीजें आती है लिखने को। बाकी जो सारी चीजें ना वो क्वेश्चन में आती है, यानी क्वेश्चन में यूज करते हैं, उससे आपने डायग्नोस बना करना होता है कि क्या है। जो आप लोग पढ़ेंगे हर चीज की ना कुछ हेडिंग्स बनी होगी, एक होगी उसकी जनरल इंट्रोडक्शन होता है उस चीज का, फिर हेडिंग आती है क्लिनिकल फाइंडिंग की, तो थर्ड हेडिंग आती है आपके पास पैथोजेनेसिस की, फोर्थ हेडिंग होती है उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस, फिफ्थ होती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ना है फार्माकोलॉजी में, सही हो गया, तो वो तो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पे छोड़ देना है, वो इधर से निकल गया, पीछे चार चीजें बच गई। अच्छा, अगर कुछ बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते पढ़ते साथ फार्माकोलॉजी करना चाहते हैं ना, तो वो क्या करें, वो बेशक लेविंसन से ट्रीटमेंट पढ़ भी लें, अच्छा लिखा हुआ है लेविंसन पे, ट्रीटमेंट काफी अच्छा लिखा हुआ है, तो उनको फार्माकोलॉजी में हेल्प हो जाएगी। यानी आई विल सजेस्ट कि जिन्होंने फार्माकोलॉजी अच्छा करनी है तो वो क्या करें, जो माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी तो पहले ही करनी है, तो माइक्रोबायोलॉजी करते हुए उनका एक बारी ट्रीटमेंट को रीड कर लें, और रीड करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लें, वो आपको सारे फार्माकोलॉजी में काम आ जाएंगे। तो जो ये पांच चीजें है ना, इसमें से प्रोफ में आपको लिखने को या पैथोजेनेसिस आती है या लैब डायग्नोसिस आती है, और जो क्लिनिकल फाइंडिंग वाली हेडिंग है ना वो आपको क्वेश्चन में आती है, यानी क्लिनिकल फाइंडिंग्स दी होंगी, आप डायग्नोस करोगे, फिर आपको कहा होगा कि पैथोजेनेसिस लिखो, आपको कहा होगा लैब डायग्नोसिस लिखो। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। होप ये अब आपको क्लियर होगी होगी बहुत। हाँ, जस्ट लॉन्ग स्केच ही पढ़ लें तो पास के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अगर अच्छी पढ़ लें। अगर लॉन्ग स्केची अच्छी पढ़ लें तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, अच्छी पढ़नी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि माइक्रो का जो मैंने एक ओवरव्यू दिया, स्केची पढ़नी किस तरह है, और जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ना है, जिन्होंने लेविंसन साथ पढ़नी है, स्केची लाजमी है। लेविंसन जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं वो उनको मैंने बता दिया है। अगर तो आपकी बहुत अच्छी रिटेनिंग मिल गया, बेशक लेविंसन से पढ़ते जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भूल जाएगा, मैं लेविंसन के नोट्स बनाने हैं, एक बारी नोट्स बना ले पूरी, आपको पूरी जो थर्ड ईयर है काम आएंगे, बाद में भी काम आएंगे। तो नोट्स, प्रॉपर नोट्स में जो दो चीजों पे फोकस रखना है, जनरल, तीन चीजों पे, जनरल फीचर्स पे वो एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं, फिर पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस आपको बार बार फायदा देगी उसके लिए, एससीक्यू के लिए, और लैब डायग्नोसिस। अच्छा, जब लॉन्ग स्केची पढ़ेंगे ना, लॉन्ग स्केची में जो मुझे एक फॉल्ट लगता था, उसकी लैब डायग्नोसिस और पैथोजेनेसिस आप करने लगेंगे ना तो आई थिंक आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर पता है क्या होता है, उससे बेहतर ये होता है कि आप लॉन्ग स्केची की डायग्राम देखें, डायग्राम की लेबलिंग करें, उसको मेमोराइज करें, उधर से चीजें सीखें,
और जो लेविंसन है उसके पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस और जनरल फीचर के नोट्स बना लें। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छे मार्क्स डिस्टिंक्शन, हर चीज के लिए यूज आप लोग करें तो ये आपको फायदा देगा। चले ये आप लोगों का ऑलमोस्ट माइक्रो का बता दिया। माइक्रो में अब आ जाती है सबसे पहले बैक्टेरियोलॉजी। बैक्टेरियोलॉजी तो आपको करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से करना है। और फिर आपको आती है फंजाई। हाँ जी, जो फ्लैश कार्ड होते हैं सीकोलोन्स कैची कहते हैं। तो उसके बाद आए जो बैक्टेरियोलॉजी और फंजाई है, ये दोनों अच्छे से करने हैं। फंजाई छोटा सा टॉपिक है, 3 चैप्टर है और दिस 3 चैप्टर विल कवर वन ऑफ योर एसईक्यू एंड मोस्ट ऑफ योर एमसीक्यूज एज वेल। चलिए अब मैं थोड़ी सी स्पीड अप तेज करता हूँ। चलिए, जो बैक्टेरियोलॉजी और फंजाई आपको बता दिया, जनरल बैक्टेरियोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो आप जनरल बैक्टेरियोलॉजी को छोड़ देते हैं और जनरल बैक्टेरियोलॉजी के आप कुछ चैप्टर्स कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज बैक्टीरिया और हाउ इट एक्ट ऑन द बॉडी। सो बेसिकली द 7th चैप्टर एंड द 9th चैप्टर, 7th चैप्टर इज रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस एंड द 9th चैप्टर इज रिगार्डिंग द लेबोरेटरी फंक्शनिंग। सो अगर आप 7th चैप्टर कर लेते हैं विच इज रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस, देन यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह एक बैक्टीरिया एक्ट करता है, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है। एंड देन यू विल डू चैप्टर नंबर 9 विच इज रिलेटेड टू लैब डायग्नोसिस। तो जब आप लैब डायग्नोसिस करेंगे तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स आती होगी। हर चीज के स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द सैंपल, देन यू हैव टू परफॉर्म द ग्राम स्टेनिंग, देन यू हैव टू लुक इट अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद आप लोग ग्राम स्टेनिंग के बाद उसके बाद टेस्ट डिफरेंट टेस्ट पे जाएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट पे जाएंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। सो जब आप जनरल इंट्रो किसी चीज का ले लेते हैं देन आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाता है वो चीज करनी किस तरह है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टडी बैक्टीरियोलॉजी। देन वी विल मूव टू द फंजाई। सो फंजाई हैज जस्ट 4 चैप्टर। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर आर इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट 3 चैप्टर आउट ऑफ विच ऑपरचुनिस्टिक फंजाई इज इम्पोर्टेंट। फंजाई आर यूजली फंगल इन्फेक्शन यूजली अकर व्हेन द पर्सन इज इम्यूनोकम्प्रोमाइज। सो व्हाट इज मेंट बाय इम्यूनोकम्प्रोमाइज? फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट कम विद द प्रेजेंटेशन ऑफ एड्स, तो उसमें फंजाई की इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। इफ द पर्सन हैज डायबिटीज, इफ द पर्सन हैज सम कोमॉर्बिडिटी, इट मींस दैट पर्सन इज इम्यूनोकम्प्रोमाइज। इफ द पर्सन इज टेकिंग सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सो इट ऑल डिपेंड्स के पर्सन किस तरह की स्टेट में है, तो फंजाई उसमें होते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें से एक एसीक्यू आ जाने और काफी एमसीक्यूज आ जाने। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं पैरासाइटोलॉजी। सो इन पैरासाइटोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैरासाइट के साइकिल। और पैरासाइट के जो साइकिल्स है ये आप लोगों को याद नहीं हो रहे होते और आप सोचते हो कि इसको मिस कर देने, क्वेश्चन ही उसके साइकिल का आता है सबसे ज्यादा। इन प्रोफ लॉन्ग स्केची आपका पैरासाइटोलॉजी के एमसीक्यूज कवर करेगी लेकिन एससीक्यू का जो साइकिल है वो कवर नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई फॉर पैरासाइटोलॉजी यू हैव टू कंसल्ट द लेविंसन, एंड फ्रॉम लेविंसन जब तक आप उसके साइकिल्स नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। इनकी एक एक मैन की बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पे, आई थिंक उनका नाम है मैम सादिया है, हाँ जी मैम सादिया, इनकी वीडियोज है पैरासाइटोलॉजी पे, दे आर रियली अमेजिंग और उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द साइकिल इन द पैरासाइटोलॉजी। सो राइट डाउन द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल, सादिया चौधरी आई थिंक इनका नेम है। सो दिस चैनल इज वेरी गुड फॉर पैरासाइटोलॉजी। देन वी विल मूव टू द वायरोलॉजी। सो वायरोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है लेकिन इसमें से आना बहुत कम होता है। तो वायरोलॉजी इज बिट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी। सो फॉर वायरोलॉजी यू विल डू 2 थिंग्स, वन इज स्केची एंड द अदर इज कैपलन। फ्रॉम स्केची इट विल बी डिफिकल्ट टू कंसाइज द थिंग्स। जो स्केची होती है ना उसमें से आपको एक चीज के पॉइंट्स बनाने में थोड़ा मसला होता है। तो बाकी सारी माइक्रोबायोलॉजी में आपको लेविंसन हेल्प करेगी पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस के स्टेप्स बनाने में, और वायरोलॉजी में आपको कैपलन हेल्प करेगी। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा ठीक है। सो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट हो गए।
चलिए अब बायोलॉजी का आपको आई होप समझ आ गया होगा। सो फॉर माइक्रोबायोलॉजी लास्ट सजेशन, अब सब नोट कर लें, कोई लेट आया था, कोई मिस हो गया था, किसी से हो गया था, किसी को समझ नहीं है। सो फॉर माइक्रोबायोलॉजी यू विल यूज लॉन्ग स्केच अलोंग विद लेविंसन। लॉन्ग स्केच इज मस्ट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड यू हैव टू लेबल द डायग्राम प्रेजेंट इन द लॉन्ग स्केच। आपने डायग्राम को लेबल करना है एंड यू विल कीप ऑन सीइंग द फ्लैश कार्ड्स। बार बार देखें, बार बार दिन में देखें, एक बार रात को देख लें, अगले दिन देख लें, अगले हफ्ते देख लें। जितनी बारी फ्लैश कार्ड देखेंगे ना, जस्ट देखें, पिक्चर आपके ना जहन में बैठ जाए, फिर आपको लेबलिंग याद करने में कोई मसला नहीं होगा। जब आपको पिक्चर आती होगी, प्रॉफ में बैठे हुए ना, आपको पिक्चर याद आएगी, अच्छा इसकी ये पिक्चर थी, उसमें ऊंट बना हुआ था, उसके ऊपर हार्ट बना हुआ था, तो यानी इसका एंडोकार्डाइटिस वो होगा। तो इस तरह पिक्चर्स आपको याद आएंगी। लॉन्ग स्केच की लेबलिंग एंड देन फॉर लेविंसन के आपने नोट्स बनाने हैं, और लेविंसन के नोट्स में आपने उसके जनरल फीचर्स और सबसे मेन लेविंसन के नोट्स आपके पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस, इन दो टॉपिक्स के बनाने हैं। ये अब नोट कर लें। अब अगेन मैंने इतनी बार रिपीट इसलिए किया था कि किसी का मिस ना हो। सो फॉर पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस यू विल यूज लेविंसन, क्योंकि उसमें वो अच्छी लिखी हुई है तो उसके नोट्स अच्छे बनेंगे। लॉन्ग स्केची में आपको याद नहीं रहेगी, लॉन्ग स्केची की डायग्राम आपको याद रहेगी। चलिए ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी भी कवर होगी। सो वी आर डन विद फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी पोर्शन। नाउ वी विल मूव टू द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड बिहेवियर साइंस, जो कि थोड़े छोटे सब्जेक्ट्स हैं और 200 मार्क्स के हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी यू कैन आस्क। तो अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक फार्माकोलॉजी में, और ये आप लोग पूछ सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हर वो चीज़ बता दूँ जो आप लोगों ने गलत करनी है, क्योंकि सही तो सबको पता होता क्या है, लेकिन गलती ये नहीं पता होता क्या है। तो जो गलतियाँ करनी है वो आज आपको पता होगी, तो ऑब्वियसली आप बाकी चीज़ें सही करोगे। अच्छा, अब एक और, अब थोड़ा सा रिलैक्स टाइम स्टार्ट करें, क्योंकि फार्मा और पैथो कवर हो गई है, जो कि बहुत मेजर पोर्शन है। तो इसमें मैं आप लोग अब आप उतनी देर जो 2-3 मिनट में अगेन टैग करें जितने बच्चों को कर सकते हैं, ताकि उनको एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिल जाए, उनको पता हो कि ये रिकॉर्डिंग हुई है, वो बाद में सुन ले बैठे हैं। तो इस वजह से पहले तो आप सब लाजमी टैग करें अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको। इतना आप लोगों के लिए आपको एलेबरेट करके बताया जा रहा है, जान नहीं छुड़ाई जा रही, स्पेशल इस वजह से कि कॉलेजेस अभी भी, आप लोगों को भी पता है कि कोविड की सिचुएशन क्या चल रही है। सो इट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट, पता नहीं कब कॉलेजेस खुलें या आप लोग के नहीं खुलें। तो आप लोग एटलीस्ट आइडिया हो, क्योंकि लेक्चर्स तो आप लोग को ऑब्वियसली मिल जाते हैं। सो इंशाल्लाह इसके अलावा लेक्चर्स मिल जाते हैं इस साल। MSS Premium Learning is also conducting pharmacology session as well, जो कि रमज़ान में होगा, मोस्ट प्रोबेबली आज के 5-7-10 दिन बाद स्टार्ट होगा, जिसमें इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी सारी कवर करवाई जाएगी 80%, लाइक जनरल फार्मा और CNS उसमें इंक्लूड नहीं होगा। पोस्टर एंड डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद यू पीपल एज वेल, सो वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स ऑन फार्माकोलॉजी अगर कॉलेजेस नहीं खुलते। चलिए अब मैं आपके पास आता हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। सो फॉरेंसिक मेडिसिन आपको अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री है। इट इज़ वेरी स्कैटर सब्जेक्ट, और यह आपको स्टार्ट में ऐसे लगेगी कि जैसे आप लोग CID देख रहे हो और आप लोग को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन 3-4 दिन बाद आपका ये सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग को मैं फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, किस तरह यूज़ करनी है, कहाँ पे गलती करोगे, कहाँ पे फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो रिकमेंडेड बुक्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप एक NRA यूज़ करोगे, सेकंड आप शहबाज यूज़ करोगे, थर्ड टॉक्सिकोलॉजी के अली रज़ा चौधरी के टॉक्सी के नोट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, वो अच्छे लिखे हुए हैं, और उसमें जो शहबाज से चीज़ें हैं जो उधर मिसिंग है वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि जो अली रज़ा चौधरी वाले नोट्स हैं वो पारिक से बनाए हुए हैं, तो पारिक से टॉक्सिकोलॉजी बेहतर कवर होती है। बाकी टॉक्सिकोलॉजी में थोड़ा मसला भी होता है कभी कभी। तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रट्टा, तो उसमें आप लोगों को बहुत तंग करेगी वो,
तो आप लोगों ने बस जहन बना लेना, क्योंकि उसकी कोई साइंस मतलब कोई साइड इफेक्ट आपको पता नहीं होगा कि क्यों साइड इफेक्ट है। आप जितनी मर्जी इंटरनेट से सर्च कर लें, फ्रेंजी किस तरह का सब्जेक्ट है आप इंटरनेट से सर्च करोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपको इसकी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो एनआरए का क्या फायदा है? सबसे पहले एनआरए के फीचर्स दिखे, उसमें से आपने क्या करना है। एनआरए के जो टेबल्स हैं वो आपने प्रोफ में भी करने हैं, आपने पूरा साल भी करने हैं। एनआरए के टेबल्स एससीक्यूज होते हैं, पेट एससीक्यूज। सो जो आप लोगों के थर्ड ईयर में फ्रेंजिक है, एनआरए आपने उसके टेबल्स करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों ने उसके टेबल्स अच्छे से करने हैं। अब एनआरए का सेकंड चीज जो आपने करनी है, एनआरए में से आते हैं एमसीक्यूज, प्रोफ में पेट लाइंस आएंगी एनआरए से। और एनआरए आप जब पढ़ोगे ना तो आप लोग सोचोगे कि यार इसकी तो इंग्लिश बहुत गलत है। तो एनआरए ऐसी ही बुक है, आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि रिकमेंडेड बुक है। पाकिस्तानी ऑथर्स का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही आता है कि जो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं वो अकेले बुक लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ रीड नहीं करवाते, प्रूफ रीड के बाद गलतियाँ हो जाती हैं और फुल ऑफ मिस्टेक्स बुक पब्लिश हो जाती है और हर चीज़ में गलती होती है। लेकिन बस फिर वो लोगों को तक पहुँच जाती है, फिर गलत चीज़ पढ़ाई जाती है बच्चों को, फिर ये उसमें मसला आ जाता है और उसी में से प्रॉफ बन रहा है। तो आप लोगों ने जो याद रखना है, जो फ्रेंजिक है उसमें एनआरए के टेबल्स ए टू जी करनी है, बाकी आपने रीड करनी है और उसमें आपको जो लगता है कि एमसीक्यूज आ सकता है उसको सर्कल लगाना है, एमसीक्यूज लिख लेना है। प्रॉफ में आपको बाकी सारी रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा, और सिर्फ साल में 1 से 2 बार ही आपको पूरी एनआरए को रीड करने का टाइम मिलेगा। आपने उसमें उसको लाइन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑटोप्सी वाला चैप्टर पढ़ोगे जो बिल्कुल स्टार्ट में है, तो ऑटोप्सी वाले चैप्टर में टेम्परेचर लिखा होगा कि जो ऑटोप्सी करनी होती है उससे पहले टेम्परेचर 4 डिग्री, बाद में अगर प्रिजर्व करनी है बॉडी -20 डिग्री होता है। तो ये क्या है? ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। उसकी लाइट 90 समथिंग की होती थी। तो ये सारे क्या है? एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो आपने इनको सर्कल करना है, इस पे लिख लेना एमसीक्यूज, और जो डब्बे है वो अच्छी तरह कर लेना। तो इस तरह ऑलमोस्ट आपकी कवर करवाएगी एनआरए। गाइडलाइन शेयर हो जाएगी, जो लॉ वाला पोर्शन है वो एनआरए से करना है, बिकॉज बाकी जो इंडियन ऑथर्स की बुक होती है या कोई और बुक होती है, शहबाज से भी आप लॉ रीड कर सकते हो, इट विल हेल्प। सो बाकी जो इंडियन ऑथर्स की बुक होती है, ऑब्वियसली लॉ पाकिस्तान का पीपीसी होता है, इंडिया का आईपीसी होता है, तो इट इज डिफरेंट। तो आप लोगों ने पाकिस्तानी लॉ करना होता है, तो इसलिए फोरेंसिक के लिए आप लोगों ने पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक पढ़नी है, लॉ के लिए। बाकियों के लिए आप लोग बाकी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बाकी सारी गाइडलाइन है ना इसकी, वो आपको मिलेगी, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। इट इज़ वेरी स्कैटर्ड, जो कि मैं बता नहीं सकता। टॉक्सिकोलॉजी मैं बताता हूँ, टॉक्सिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से लाजमी एसिक्यू आता है, लेकिन सबसे बड़ा टॉक्सिकोलॉजी उसमें से 2 एसिक्यू होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस साल का अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो ऐसा क्वेश्चन था उसके 2 आंसर बन रहे थे और लेकिन स्टिल यूएचएस ने एक आंसर कंसिडर किया। तो अब इसमें किस्मत भी होती है कि आसान क्वेश्चन आ जाए, या इस साल जिस तरह का क्वेश्चन आया था वो भी किस्मत होती है, क्योंकि 50% एक लगा के आए हैं। और इवन एचओडीज अगर देखो या एसोसिएट प्रोफेसर, सब 2 आंसर में मुत्तफिक थे, बट यूएचएस 2 आंसर में मुत्तफिक नहीं था। तो इस तरह की चीजें आप लोग को हो सकता है फ्रेंजिक में फेस करनी पड़े। इसके जब एमसीक्यूज देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये एमसीक्यूज पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो वो एमसीक्यूज एनआरए की लाइंस होती हैं, आप लोगों ने एनआरए नहीं पढ़ी होती इस वजह से वो नहीं आती होती। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एनआरए पढ़ने का आपको 1 से 2 बारी टाइम लेगा। डब्बे तो हर बारी करने हैं ना, डब्बे तो मस्ट है, बाकी जो लाइंस है उसमें से एमसीक्यूज जो आपको लगता है बन सकता है उसको सर्कल करें और आप एमसीक्यूज लिख दें, इट विल हेल्प। बाकी शहबाज नॉर्मल बुक है, बहुत अच्छी बुक नहीं है, लेकिन कवर आपकी फॉरेंसिक वही करवाएगी। अगर शहबाज से छोटी एक और बुक होती है टर्ज, वो भी अच्छी बुक है। तो ये आपकी फ्रेंजिक मेडिसिन है, बाकी इंशाल्लाह इसकी गाइडलाइन शेयर होगी तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि बताई जा सकती थी। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ गया? ऑलमोस्ट वी आर डन विद 3 सब्जेक्ट। फ्रेंजिक मेडिसिन में बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इस तरह का सब्जेक्ट है कि उसमें बस यही बताया जा सकता है कि एनआरए ऐसी बुक कैसी लगेगी, लेकिन आपको फिर भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज आने। ये पॉइंट याद रखें कि
एमसीक्यूज अगर सही करने हैं तो एनआरए की 10 लाइन है, सही लाइन आपको याद होनी चाहिए। सही हो गया, बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बंदा अगर सिर्फ पास पेपर रट ले तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा, गुजारा तो होने को कुछ भी हो जाए, लेकिन इस साल अगर आप लोग पेपर उठा के देखे फ्रेंजी का तो फिर गुजारा नहीं हो सकता था, तो किस्मत पे होता है। अच्छा, अब किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो अब इसके बाद। अच्छा, वार्ड्स का मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, वार्ड्स थर्ड ईयर में होते हैं माइनर, लेकिन अगर कॉलेज खुल जाते हैं और कोरोना की सिचुएशन बेहतर हो जाती है देन आई विल सजेस्ट यू टू गो टू वार्ड। अगर कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो लेक्चर्स होते हैं, तो आप कभी भी लेक्चर में वार्ड नहीं अटेंड कर सकते। लाइक आप सोचते हो कि ऑनलाइन वार्ड हो जाए तो आपको फायदा होगा, नहीं, इट वॉन्ट हेल्प। तब आपको बेहतर है कि आप सो जाएं, तो उससे बेहतर है आप लोग कोई अच्छी वीडियो देख लें, क्योंकि लेक्चर में वार्ड नहीं हो सकते। जब तक आप पेशेंट से जाके इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, तो वार्ड का मकसद ये होता है कि आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, वहां पर जाके करना है सब कुछ। तो ऑनलाइन वार्ड इज बिट फिशी थिंग, मतलब नहीं हो सकती और उसका कोई इतना ज्यादा प्रोडक्टिव फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग के कॉलेज खुल जाते हैं थर्ड ईयर में, बच्चे वार्ड नहीं लेने जाते, तो आई विल रिकमेंड कि लाजमी वार्ड लें। उसकी रीजन ये है कि आप लोग जब फाइनल ईयर में जाओगे ना, तो आप लोगों की जो गलतियां होंगी उस पर आप लोगों की टीचर से अच्छी खासी बेइज्जती होगी। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में वार्ड में गए होते हो तो टीचर आपके साथ बहुत प्यार से पेश आएंगे और आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आपको याद रखेंगे और आपको आगे फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, बाकी हर जगह फायदा भी होगा और आपको चीज आती भी होगी। और बाकी जो टाइम फाइनल ईयर और हाउस जॉब में जाया करेंगे इन चीजों में, आप कोई अच्छी चीज कर सकते हो और आप एफसीपीएस उनसे पहले क्लियर करके अपनी इंडक्शन करवा सकते हो। तो इस वजह से आपका ही फायदा अगर थर्ड ईयर में वार्ड में जाते हो। लेकिन अगेन कोविड की वजह से पता नहीं आप लोग के ऑन ग्राउंड वार्ड्स होते हैं कि नहीं। अगर तो हो जाते हैं और आप लोगों की सेफ्टी प्रॉपर होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोविड लगने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इस साल बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से फोर्थ ईयर में भी आपके काफी माइनर वार्ड्स होते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर थर्ड ईयर में मिस हो जाते हैं तो फोर्थ ईयर वाले ले लेना, फाइनल ईयर में तो फिर मेजर वार्ड्स है वो तो आप लोग को करने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट पारिक? यस, पारिक इज अ गुड बुक फॉर द फ्रेंजी। इफ यू कैन डू पारिक तो आप लोग कर सकते हो। पारिक इज द अल्टरनेटिव फॉर शहबाज। पारिक टॉक्सिकोलॉजी या अली रजा के नोट्स कर लें, क्योंकि उसने भी पारिक से ही बनाए हुए हैं और डिफरेंट बुक से बनाए हुए हैं, तो उसके वो टॉक्सिक बेहतर है। लेकिन जो अली रजा के जो टॉक्सिक नोट्स है उसमें जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छी नहीं लिखी हुई, वो मैनेजमेंट आप लोगों ने शहबाज से करनी है, वो शहबाज में अच्छी लिखी हुई है। अच्छा, और जो सीनियर असेसमेंट यही होती हैं, वो टेस्ट होते हैं, ये आगे जाएंगे फोर्थ ईयर में आई और उनको पता होता है, वो खुश होते हैं अगर थर्ड ईयर के बच्चे हैं कि यार बड़ी बात है, क्योंकि थर्ड ईयर बच्चे जाते नहीं है, मोस्टली वर्ड मिस करते हैं। और थर्ड ईयर बेस्ट टाइम होता है जब आप अकेले बहुत कुछ सीख सकते हो। थर्ड ईयर बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हो। थर्ड ईयर में आप रिसर्च कर सकते हो, थर्ड ईयर में आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हो वर्ड में, आप कोई नई चीज इनोवेटिव आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप अपनी पिछली चीजें रिवाइज कर सकते हो। सो थर्ड ईयर इज वन ऑफ वेरी अमेजिंग ईयर्स जहाँ पे आप सबसे ज्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, और थर्ड ईयर वो ईयर है जहाँ आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओगे, आप अपने आप को बाकियों से पीछे ले जाओगे। मिनिमम कितने मंथ में थर्ड ईयर कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी? तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, अभी इतना टाइम बेशक ना करें लेकिन अभी आप लोग लेक्चर सुन लें, जो स्केच के लेक्चर्स है और उसकी लेबलिंग है अभी कर लें, कैप्लान के लेक्चर है उसकी जो नोट करने हैं वो कर लें। इस पर टाइम लगता होता है क्योंकि इनके चार चार घंटे के कैप्लान के लेक्चर सुनने में बहुत हिम्मत लगती है, तो डिवाइड करके अभी टाइम है, रमजान में आराम से सहरी से पहले 2 घंटे लगा के वो सुने, इस तरह कर कर आके आप लोग कर लें तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा आगे।
No, third year is not a difficult subject. Third year one is one of the most amazing thing. फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये होता था, थर्ड ईयर में इसलिए अभी आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें मेमोराइज करने वाली है. थर्ड ईयर इज मोर अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स. तो जिनका रट्टा नहीं अच्छा उनको शुरू में थोड़ा मसला होगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह उनका भी ये सब कुछ सही होता जाएगा. अच्छा, लास्ट इज बिहेवियर साइंसेज. बिहेवियर साइंसेज का बहुत पूछते हैं. बिहेवियर साइंसेज में बहुत सी डिस्टिंक्शन आती हैं. इस टाइम अभी एफ जी एम यू का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 2 दिन पहले, तो 137 आउट ऑफ 300 बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है बी एस में. तो बी एस इज अ गुड चांस टू गेट डिस्टिंक्शन एज वेल. बी एस में 2 बुक्स होती है, एक होती है मौद्दतराना, एक होती है फ्रेंड्स बाय मुबशिर इकबाल. जो फ्रेंड्स बाय मुबशिर इकबाल है, इट्स अ वेरी गुड बुक, और वो मौद्दतराना की एक तरह से छोटी कंसाइज फॉर्म है. तो आप लोग अगर अच्छा आप लोग करना चाहते हो ना, बहुत अच्छा, तो या नॉर्मल भी, सबसे पहले आप पढ़ो मुबशिर इकबाल की फ्रेंड्स. फ्रेंड्स एक बार अच्छी तरह पढ़ लो और आपके जहन में एक स्केच अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा. मुबशिर इकबाल वाली अगर आप लोग फ्रेंड्स पढ़ लेते हो ना, तो उससे पेपर इजीली पास भी हो जाता है, उससे इवन डिस्टिंक्शन भी बच्चों की आ जाती है. तो डिस्टिंक्शन उससे भी मसला नहीं होता, उससे भी आ जाती है. लेकिन थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले मुबशिर इकबाल अच्छे से कर लो, सारी कर लो, क्योंकि उसकी जो पूरी वो सारी बुक ही क्वेश्चन है. एक तरह से वो हर चीज पूछी जा सकती है. वो मुबशिर इकबाल पर इट इज जस्ट लाइक अ नॉवल, और आप अपने इंटरेस्ट से उसको पढ़ सकते हो. जब वो एक बारी हो जाए, जब आपका उसका स्केच बन जाए, क्योंकि वो मौद्दतराना से उसने चीजें उठाई हुई है, उसके बाद आप मौद्दतराना पे जाना. मौद्दतराना थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है. उसमें से जो आपने मुबशिर इकबाल से टॉपिक किए थे वो मुद्दतराना से देखें, देन जो मुबशिर इकबाल में नहीं है अगर टाइम होता है तो उन पे जाएं. तो बीएस में आप लोगों ने ये 2 बुक्स लेनी है. मुबशिर इकबाल वाली बुक का किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप लोगों ने वो लाजमी लेनी है, और साथ मुद्दतराना लेनी है. तो ये दोनों बुक्स लें. फ्रेंड्स आपका ऑलमोस्ट कवर करवा देती है, इवन आपको बहुत अच्छे मार्क्स डिस्टिंक्शन भी दिलवा सकती है. किस्मत होती है ऑब्वियसली, वाइवा में समटाइम्स किस्मत नहीं चलती, कभी पेपर में कोई मसला हो जाता है, तो किस्मत डिस्टिंक्शन में किस्मत बहुत होती है. तो आप लोग हमेशा अच्छा पढ़ने के लिए ले. तो ये बीएस की थोड़ी सी गाइडलाइन है. हाँ, फ्रेंजी को नॉवल कहते हैं, शुरू में लगता भी नॉवल नॉवल है, लेकिन थोड़ा एंड पे जाके थोड़ा सा टॉक्सिकोलॉजी में मसला करता है, बाकी इतना मसला नहीं करता. सो आई होप कि आपको हर चीज समझ आ गई होगी. आई ट्राइड माई बेस्ट के जितना मैं एलेबरेट करके गलतियों को बता सकूं, क्योंकि गलतियां एक्सपीरियंस से आती हैं, तो एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए. आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे, गलतियां करोगे, तो उसका क्या फायदा. तो वो जो गलतियां करनी है वो एक्सपीरियंस आप लोग को बता दिया गया. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू अडेप्ट इट और यू वांट टू लीव इट के जैसे आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं, तो वो तो फिर आपकी अपनी मर्जी है. सो वाइज पीपल विल अडेप्ट दिस थिंग, और उनको एक्सपीरियंस से हेल्प होगी, और जब एट द एंड ऑफ द डे आप लोग प्रॉफ में बैठे होंगे, आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह याद आएंगी. स्टिल अभी बाय एमएसएस प्रीमियम लर्निंग जो फिजियोलॉजी का सेशन हुआ है, उस प्रैक्टिकल सेशन हुआ है, उसकी अभी आप लोगों के पेज पे, हमारे पेज पे बच्चों के व्यूज आ जाएंगे. उसमें आप लोग देख सकते हैं, वो खुद बताएंगे कि जो क्वेश्चंस बताए गए थे वो पूछे गए, और हर किसी से एचओडीज ने वो क्वेश्चन पूछे. क्यों? देखें, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से पता लगी हुई है. ये कोई मैं भी आसमान से तो नहीं बता रहा, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से पता लगी हैं. और वो जो सारे क्वेश्चन मैंने उनको बताए, और उनको बताया कि ये चीजें ओएसपी में आती है, सबकी वही ओएसपी आई. कंसेंट लेने का तरीका उनको बताया कि कोई कंसेंट नहीं लेगा. तो जब जिन्होंने कंसेंट लिया, जो कंसेंट ले लेता है और बाकी कंसेंट नहीं लेते, उसको फुल मार्क्स मिलते हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती है, दिस इज द फाउंडेशन. और ये आप लोगों को अगर गाइड हो जाए, तो आप सब में इतना कैलिबर है, आप लोग अच्छा पढ़ सकते हो. तो अब इट इज अप टू यू कि आप लोग इस नॉलेज को किस तरह यूटिलाइज करते हो. अच्छा, अब क्वेश्चंस हैं. एमसीक्यूज में बता दें, फार्मा के एमसीक्यूज इस तरह आप लोगों ने करने होते हैं, के एंड वाले एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं, और पास प्रॉफ के एमसीक्यूज मिल जाते हैं. पास प्रॉफ के एमसीक्यूज एक बार रीड कर लेने हैं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, और उसके जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप लोगों ने कर लेने हैं. और जो माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज है, अच्छा, बाकी एमसीक्यूज भी थर्ड ईयर में कोई एमसीक्यू सोर्सेज बहुत अच्छे नहीं है.
बीएस के एमसीक्यूज फ्रेंड्स की बुक में बहुत अच्छे हैं, वहां से कर सकते हो। फोरेंसिक के एमसीक्यूज किसी बुक में अच्छे नहीं है, एक इंडियन ऑथर की बुक है वो शेयर हो जाएगी, उसमें अच्छे हैं, वहां से कर सकते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के एमसीक्यूज है, उसमें पास्ट एमसीक्यूज इतने इनफ होते हैं कि आप लोग को उधर से आइडिया होगा, क्योंकि जिस तरह के प्रॉफ में एमसीक्यूज आते हैं वो जितनी बुक्स में ढूंढी हुई है मुझे किसी बुक में उस तरह के एमसीक्यूज नहीं मिले। तो आप लोगों को जो पास्ट एमसीक्यूज है वो अगर आप लोग कर लेते हो तो इट विल रियली हेल्प, क्योंकि उसमें से काफी एमसीक्यूज रिपीट होते हैं इन केस ऑफ पैथोलॉजी। एमसीक्यूज फॉर बिहेवियर साइंसेज यू कैन यूज फ्रेंड्स बाय डॉक्टर मुबशर इकबाल, जहां से मैंने आप लोगों को बताया है, जहां से आप लोगों ने करनी है, तो इट विल हेल्प यू। अच्छा, आप किसी का कोई और क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और अब जरूर जो यहाँ पे सुन रहे हैं वो फाइनल अपने दोस्तों को टैग कर जाएं, ताकि जो अभी भी ज्वाइन नहीं कर सके थे तो वो इस वीडियो को देख लें, बिकॉज ऑलमोस्ट आई टॉक 1.5 आवर फॉर यू पीपल। सो आई होप आप लोग को भी फायदा होगा और आप लोगों को चाहिए कि बाकी को भी फायदा पहुंचाए। इफ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ देन हेल्प अदर्स, इफ यू डोंट फाइंड यूजफुल इट फॉर योर सेल्फ बेशक फिर ना टैग करें। सो आई विल प्रे कि आप लोग थर्ड ईयर में अच्छा पढ़ें और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर लें। अच्छे नंबर के अलावा जो थर्ड ईयर में अब मैं फाइनल करने लगा हूँ, थर्ड ईयर में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे और आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग कितना सीखना चाहते हो या हर बंदे के अपने हाथ में होता है। फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इन दो को अच्छा करना, क्योंकि आप लोगों को पूरी लाइफ में काम आएगी। फिर स्टडी मोटिवेशन पूछते हैं कि क्या है। सो मोटिवेशन इज ये कि आप लोगों ने इंसानों की जानों के साथ खेलना, आपने किसी मशीन को नहीं रन करना, आपने इंसानों के साथ डील करना है। और ये जो फार्मा से एक चीज़ और बीएस से एक चीज़ ज़्यादा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और लोगों को गलत मेडिसिन दी जाती है, हर चीज़ में प्रिस्क्राइब, ये वाले काम लोगों ने नहीं करना है। हर जान बहुत प्रेशियस होती है, आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन एक पर्सन के साथ बहुत से लोग लिंक्ड होते हैं। लाइफ इज लाइक अ नेक्सस, कि एक पर्सन पे बहुत लोग डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार ईदी की, तो वो आप सब उनको जानते हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डॉक्टर होता है जो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उनका इलाज ना कर पाता, कभी ऐसा होता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो आप होते हैं, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो जाते, उनके कितने लोग डिपेंड कर रहे थे, तो वो कितना बड़ा सिस्टम बना के गए एम्बुलेंस का। अगर वो सिस्टम किस वजह से था, क्योंकि उस वो बंदा जिंदा था, उस बंदे ने उसको डिवेलप किया। तो यानी एक बंदे से बहुत लोग लिंक्ड होते हैं। तो अगर ये सोच आप अपने जहन में ला ले आए, तो आई होप ये आपको मोटिवेट करेंगे। और जिस तरह आप लोग चाहते हो कि अपने पेरेंट्स का आपका इलाज हो, अभी COVID-19 है तो बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स को हुआ होगा, उनको खुद हुआ होगा। जैसे आप अपने इलाज के लिए तरस, हमें कोई अच्छा हमारा इलाज कर दे, हमें कोई जल्दी आराम पहुंचा दे, तो अगर आप बाकियों का इलाज भी उसी सोच के साथ करना शुरू कर दो, तो उसके लिए आपको अभी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आप एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे इतना जरूर सेटिस्फाई होगे किसी के इलाज करते हुए, कि आपको पता होगा जब आप आफ्टर दिस वर्ल्ड जाओगे तो एटलीस्ट अल्लाह के सामने जवाबदेह तो आपने होने होना है, तो आप अच्छे से जवाबदेह हो सकते हो। तो दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर। आपने अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज किया है, ना मेरी मर्जी से किया है, हो सकता है पेरेंट्स की मर्जी से किया हो, लेकिन अगर चाहते हो कि पेरेंट्स की मर्जी से चूज किया है उनको भी सवाब मिले, तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि अच्छा पढ़ो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छा नहीं पढ़ोगे, आगे पेशेंट्स के साथ अच्छा नहीं डील करोगे, तो जिसने आपको फोर्स किया था एमबीबीएस में आने के लिए, तो इनडायरेक्टली उन्हीं को बना भी जाएगा। तो इस वजह से बी सिंसेयर विद योरसेल्फ, बी सिंसेयर विद द अदर पीपल। जब आप लोगों के साथ सिंसेयर हो जाओगे और आप अपने साथ सिंसेयर हो जाओगे, अपनी फील्ड के साथ सिंसेयर हो जाओगे, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो लाइफ में, याद रखना कि अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हो जाना। और अगर आप फील्ड को मजाक लेना चाहते हो, तो मजाक तो सबको आता है, तो अगर फील्ड के साथ मजाक लेना चाहते हो, तो एक वो वक्त आएगा कि फील्ड आपके साथ इतना बड़ा मजाक कर देगी कि आपको आइडिया भी नहीं होगा, और फिर तब आप सोचोगे कि आपके साथ क्या हो गया। सो दीज आर सम थिंग्स आई वॉन्ट टू से यू, कि आई होप के इन कुछ अल्फाज से कुछ लोग असर ले ले और वो अच्छा पढ़ें
और ये आप लोगों को ही फायदा देगा. दिस फील्ड इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई सेटल भी नहीं होने देगा. आप लोग अभी भी नुकसान में, आगे भी नुकसान में. एट द एंड ऑफ द डे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना कैलिबर था और आपने कितना यूज किया, तो उसके भी आप जब जवाब दे होगे तब भी आपका नहीं होगा. सो आई होप आप सब अच्छा पढ़ेंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर द थर्ड ईयर इंशाल्लाह. आई होप आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी अच्छा आएगा. सो आई विल प्रे फॉर यू फॉर योर रिजल्ट. सो डू प्रे फॉर मी एज वेल. थैंक यू वेरी मच.